नमस्कार सभी प्रभारी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरी ओर से नमस्कार। अब 5 मिनट में हम पर्चियों की चयन प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं। आशा है आप सब तैयार होंगे। 5 मिनट में हम पर्चियों की चयन प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी तैयार होंगे। यस मैम। जी मैम, एपीएस तालबेहट तैयार है।
वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वधा। सुप्रभात, मैं प्रीति सिंह तथा मैं पूजा वर्मा आज उत्तरी कमान के अंतर्गत होने वाले इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम कार्यक्रम की शुरुआत समूह चयन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। हमारी आज की इस प्रतियोगिता में लगभग 10 आर्मी विद्यालयों ने भाग लिया है, जिनके नाम इस प्रकार है: आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर, आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर, आर्मी पब्लिक स्कूल ले, आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर, आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा, आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुठी, आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज, आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट और आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड। आप इस आभासी मंच पर सभी विद्यालयों के नाम की पर्चियों को देख सकते हैं। आज हमारा विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण क्षण में आप सबको संबोधित करने का अवसर पाकर मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। युवा मन को प्रेरित करने का अवसर मिलना हमेशा एक सम्मानजनक पल होता है। आज के बच्चे देश के आने वाले कल का भविष्य है, तो आइए हम इन भावी आशाओं के निर्माताओं का स्वागत करते हुए इनका मार्गदर्शन करते हैं। आप सब देख सकते हैं कि इन 10 आर्मी पब्लिक विद्यालयों का नाम हमने अलग अलग पर्चियों पर लिखा है। इन पर्चियों द्वारा हम सभी टीमों को क्रमांक देंगे तथा प्रत्येक प्रतिभागी को उसी क्रमानुसार अपने विषय की प्रस्तुति करनी होगी। तो समय बर्बाद ना करते हुए पर्चियों के चयन प्रक्रिया की शुरुआत करने हेतु मैं श्रीमती पूजा वर्मा जी को मंच संचालन करने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद प्रीति मैम। अब मैं चयन प्रक्रिया समिति से अनुरोध करती हूँ कि वे विद्यालयों की चयन प्रक्रिया आरंभ करें। तो आप सब देख सकते हैं जिस विद्यालय का नाम सर्वप्रथम हमारे समक्ष है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर। आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर। अब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर के प्रभारी अध्यापक अध्यापिका से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुने व अपने छात्रों का उचित मार्गदर्शन करें। आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर के छात्र कृपया अपने नाम को रीनेम कर लें, यानी अपने नाम व विद्यालय की जगह जो प्रतिभागी पक्ष पर बोलने जा रहा है वे अपने नाम की जगह टीम वन पी वन लिखे तथा जो प्रतिभागी अपने विचार विपक्ष पर बोलने जा रहा है वे अपने नाम की जगह टीम 1 P2। यदि आप एक ही फ्रेम से बोल रहे हैं तो आप लिखेंगे टीम 1 P1, P2। कृपया ध्यानपूर्वक सुने
आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर टीम वन जो प्रतिभागी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा टी वन और जो विपक्ष पर प्रस्तुत करने जा रहा है वो लिखेगा टी टू तथा अवरोधक आई केवल आई लिखेगा। जब उसे क्रमांक दिया जाएगा तो वो अपने नाम को रीनेम करके जो क्रमांक उसे दिया जाएगा वही क्रमांक वो लिख लेगा। अब मैं चयन प्रक्रिया समिति से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे दूसरे विद्यालय का नाम हमारे समक्ष रखें। आर्मी पब्लिक स्कूल लेह, दूसरा विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल लेह। आर्मी पब्लिक स्कूल लेह के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे भी अपने नाम को रीनेम कर लें और अपने नाम की जगह जो प्रतिभागी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा टीम टू पी वन और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वो लिखेगा पी टू तथा अवरोधक केवल आई लिखेगा यानी इंटरजेक्ट आई। आर्मी पब्लिक स्कूल लेह के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपने नाम को रीनेम कर लें तथा अपने नाम की जगह टीम टू पी वन जो पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है टीम टू पी टू और अवरोधक केवल आई लिखे इंटरजेक्टर केवल आई लिखेगा। धन्यवाद। अगला विद्यालय जो हमारे सामने है वह है आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड। आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड। अब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड के प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे भी अपने नाम को रीनेम कर लें। जो प्रतिभागी अपने विचार पक्ष पर प्रस्तुत करने जा रहा है वह लिखेगा टीम थ्री पी वन टीम थ्री पी वन और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वो लिखेगा P2 और अवरोधक केवल I लिखेगा। अवरोधक केवल I लिखेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपने नाम को रीनेम कर लें और अपने नाम व विद्यालय की जगह वे लिखेंगे टीम थ्री P1, P2 और I। टीम टू आर्मी पब्लिक स्कूल लेह से अनुरोध है कि वे अपने नाम को रीनेम करें और प्रतिभागी जो पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वो लिखेगा टीम टू P1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा वो लिखेगा टीम टू पी टू और अवरोधक केवल आई। अवरोधक केवल आई लिखेगा। अब मैं चयन प्रक्रिया समिति से अनुरोध करती हूँ कि वे अगले विद्यालय का नाम हमारे समक्ष लाए। अगला विद्यालय है हमारे सामने आर्मी पब्लिक स्कूल रख मुट्ठी। आर्मी पब्लिक स्कूल रख मुट्ठी। अब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल रख मुट्ठी के प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे भी अपने नाम को रीनेम कर लें। जो प्रतिभागी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वह अपने नाम में लिखेगा
T4 T1 और जो अपने विचार विपक्ष पर प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा T4 T2 और अवरोधक केवल आई लिखे। आशा है आप सब ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। यदि किसी भी अध्यापक अध्यापिका या प्रतिभागी को कोई संदेह है तो वो चैट बॉक्स में हमें बता सकता है। रखमुट्ठी के प्रतिभागी कृपया अपने नाम के साथ लिखें T4 T1 जो पक्ष पर विचार प्रस्तुत करने जा रहा है और जो विपक्ष पर प्रस्तुत करने जा रहा है वो लिखेगा T4 T2 और अवरोधक केवल आई लिखे। माफ कीजिएगा, अवरोधक लिखेगा T4 I और T3 का T3 I और अवरोधक T2 का T2 I और T1 का T1 I। अब मैं चयन प्रक्रिया समिति से अनुरोध करती हूँ कि वे अगले विद्यालय का नाम हमारे समक्ष लाए। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर। आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर। अब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर के प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे भी अपने नाम को रीनेम कर लें और अपने नाम की जगह जो प्रतिभागी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा T5 T1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा T5 P2 तथा अवरोधक लिखेगा T5 I। प्रभारी अध्यापक अध्यापिकाओं से अनुरोध है कि वे निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने अपने विद्यालय के प्रतिभागियों का उचित मार्गदर्शन करें। आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर T5 पक्ष पर अपने विचार जो प्रस्तुत करने जा रहा है वह लिखेगा P1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वो लिखेगा P2 और अवरोधक लिखेगा T5 I। अगला विद्यालय हमारे सामने जो है वह है आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज। अब मैं प्रयागराज के प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे भी अपने नाम को रीनेम कर लें। जो प्रतिभागी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा T6 P1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा P2 और अवरोधक लिखेगा T6 I। प्रयागराज के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपने नाम को रीनेम कर लें। जो विद्यार्थी अपने विचार पक्ष पर प्रस्तुत करेगा वे लिखेगा T6 P1, जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा वे लिखेगा P2 और जो अवरोधक है वे लिखेगा T6 I, केवल I। धन्यवाद। अब मैं चयन प्रक्रिया समिति से अनुरोध करती हूँ कि वे अगले विद्यालय का नाम हमारे सामने रखे। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर। आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर।
अब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर के प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे भी अपने नाम को रीनेम कर लें और अपने नाम की जगह लिखेंगे 37T1। जो पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा 37T1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा P2 तथा जो अवरोधक है वो लिखेगा टीम सेवन आई। आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपने नाम को रीनेम कर लें और अपने नाम की जगह लिखेंगे जो प्रतिभागी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा T7T1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा P2 और अवरोधक लिखेगा T7I। धन्यवाद। चयन प्रक्रिया समिति से अनुरोध है कि वे अगले विद्यालय का नाम हमारे सामने लाए। Team 5 अखनूर से अनुरोध है, आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर से अनुरोध है कि इंटरजेक्टर अपने नाम को रीनेम कर ले और लिखे Team 5I। अगला विद्यालय हमारे सामने है आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपने नाम को रीनेम कर लें और अपने नाम की जगह लिखेंगे Team 8। जो पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वो लिखेगा Team 8P1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा P2 तथा अवरोधक अपना नाम लिखेगा Team 8I। Team 8I आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा से अनुरोध है कि वे अपने नाम को रीनेम कर लें और अपने नाम की जगह जो प्रतिभागी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा Team 8P1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा P2 और अवरोधक लिखेगा Team 8I। धन्यवाद। चयन प्रक्रिया समिति से अनुरोध है कि वे अगले विद्यालय का नाम हमारे सामने लाए। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपने नाम को रीनेम कर लें और अपने नाम की जगह जो प्रतिभागी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा Team 9P1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा P2 तथा अवरोधक अपने नाम की जगह लिखेगा Team 9I। धन्यवाद। अगला विद्यालय हमारे सामने है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर के प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे अपने नाम को रीनेम कर लें जो प्रतिभागी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा Team 10P1 और जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है वे लिखेगा P2 और अवरोधक लिखेगा Team 10
I, टीम 10 I, मैं क्रमांक फिर से दोहराती हूँ, टीम 1 आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर, टीम 2 आर्मी पब्लिक स्कूल लेह, टीम 3 आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड, टीम 4 आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुठी, टीम 5 आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर, टीम 6 आर्मी पब्लिक स्कूल प्रयागराज, टीम 7 आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर, टीम 8 आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा, टीम 9 आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट, टीम 10 आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर। आशा है आप सभी विद्यालय के प्रतिभागियों को अपना अपना क्रमांक पता चल गया होगा। पर्चियों के इस खेल से खेलेंगे हम किस्मत का खेल, पर्चियों के इस खेल से हम खेलेंगे किस्मत का खेल, देखते हैं कौन से विद्यालय के साथ बनता है किस विद्यालय का मेल। तो जिस प्रकार हमने प्रतिभागियों का चयन किया है, उसी प्रकार प्रत्येक विद्यालय से प्रश्नकर्ता का चयन भी किया जाएगा। अब प्रश्नकर्ता की बारी है। ये सब पर्चियां आप देख सकते हैं, पूरे 10 विद्यालयों की पर्चियां हमने लिखी हुई हैं। अब मैं चयन समिति से अनुरोध करती हूँ कि वे एक एक करके प्रश्नकर्ता चयन प्रक्रिया आरंभ करें। जिस प्रकार प्रतिभागियों ने अपने नाम को रीनेम किया है, अब प्रश्नकर्ता भी दिए गए क्रमांक अनुसार अपने नाम को रीनेम करेंगे, ताकि हमें पता लगे कौन से विद्यालय से कौन सा विद्यालय प्रश्नकर्ता के रूप में सामने आ रहा है। तो मैं चयन प्रक्रिया समिति से अनुरोध करती हूँ कि वह प्रश्नकर्ता चयन प्रक्रिया आरंभ करे। आप देख सकते हैं जिस विद्यालय का नाम सर्वप्रथम हमारे सामने आया है, वह है आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर। लेकिन टीम 1 भी आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर से है, तो सेम स्कूल से इंटरजेक्शन नहीं हो सकती। दूसरी पर्ची निकाली जाए। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा, आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वह अपने नाम को रीनेम करके I1 कर ले, I1 कर ले, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर को जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वे पूछे जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा के प्रश्नकर्ता द्वारा।
आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वह अपने नाम को रीनेम कर ले और I-1 कर ले। अब मैं पुनः चयन समिति से अनुरोध करती हूँ कि वह अगला विद्यालय हमारे सामने लाए। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर। आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर। आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वह भी अपने नाम को रीनेम कर दे और I-2 यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल लेह से जो आर्मी पब्लिक स्कूल लेह से प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर के प्रश्नकर्ता द्वारा। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर। आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर। अब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर के प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने नाम को रीनेम करके I-3 करेगा। Team 3 I-3 यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल धारोड़ को जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर के प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वह भी अपने नाम को रीनेम कर ले और अपने नाम की जगह लिखेगा I-4 यानी आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुठी को जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आर्मी पब्लिक स्कूल प्रयागराज के प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला विद्यालय कौन सा है। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल लेह। आर्मी पब्लिक स्कूल लेह। आर्मी पब्लिक स्कूल लेह के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वह अपने नाम को रीनेम करके लिखेगा I-5 यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर को जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल लेह के छात्रों द्वारा। आइए देखें अगला विद्यालय कौन सा है। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुठी। आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुठी। आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुठी के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वह भी अपने नाम को रीनेम कर ले और अपने नाम की जगह I-6 लिखेगा। अपने नाम की जगह I-6 लिखेगा यानी आर्मी पब्लिक स्कूल प्रयागराज को प्रश्न पूछे जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुठी के प्रश्नकर्ता द्वारा। चलिए देखें अगला विद्यालय कौन सा है। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल धारोड। आर्मी पब्लिक स्कूल धारोड। आर्मी पब्लिक स्कूल धारोड के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वह अपने नाम को रीनेम कर ले और अपने नाम की जगह I-7 करे यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर को
जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न पूछे जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड के प्रश्नकर्ता द्वारा। आइए देखें अगला विद्यालय कौन सा है। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर। आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वे भी अपने नाम को रीनेम करें और अपने नाम की जगह I-8 करें, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा को जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर के प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे जाएंगे। आइए देखें अगला विद्यालय कौन सा है। अगला विद्यालय है आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट। तो सीक्वेंस में भी हमारे पास आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट था, तो सेम स्कूल से प्रश्नकर्ता नहीं हो सकता। आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर। आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वे भी अपने नाम को रीनेम करे और अपने नाम की जगह लिखे I-9, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट के प्रतिभागियों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर के प्रश्नकर्ता द्वारा। आखिरी विद्यालय है हमारे पास आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट। आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट। आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वे भी अपने नाम को रीनेम कर लें और अपने नाम की जगह I-10 लिखें। आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट के प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वे अपने नाम की जगह I-10 लिखे, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर को जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट के प्रश्नकर्ता द्वारा। आप क्रमांक देख सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर को आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल लेह को आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड को आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुठी को आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल अखनूर को आर्मी पब्लिक स्कूल लेह द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल प्रयागराज को आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुठी द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर को आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा को आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट को आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा और आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर को आर्मी पब्लिक स्कूल टालबेहट द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। आशा है आप सभी को अपना अपना क्रमांक पता चल गया होगा। यदि कोई संदेह है तो आप अपना संदेह चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। सब बच्चे रेडी हो जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम 10 मिनट के बाद आपसे फिर से मिलते हैं।
अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। साधन कम है परंतु भाव विह्वल है, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे आप हमारे भाव सुमन के हार। अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति में अतिथियों को भगवान के समान पूजा गया है, तो आज हम भी अपने सभी गणमान्य अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, देवता की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमारी आज की उत्तरी कमान वाद विवाद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि हैं एवस के निदेशक कर्नल एके शर्मा जी। आज हम अपने माननीय मुख्य अतिथि जी का हार्दिक स्वागत करते हुए सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महोदय, आज हम उत्तरी कमान वाद विवाद प्रतियोगिता में आपको अपने साथ पाकर अत्यंत हर्ष अनुभव कर रहे हैं। महोदय जी अपने अद्भुत प्रशासन के लिए जाने जाते हैं और हमेशा सफलता और उपलब्धि की दिशा में प्रयास करने के लिए युवा मस्तिष्क को जोड़ने की दिशा में काम करते हैं। महोदय जी ने आर्मी विंग आईएनटी गिरिनगर में प्रोफेसर के रूप में काम किया है और विभिन्न डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन और तकनीकी स्टाफ कॉलेज के पाठ्यक्रम पढ़ाए हैं। साथ ही महोदय ने ईएमई स्कूल बड़ौदा में युवा अधिकारियों को भी पढ़ाया है। माननीय महोदय जी के पास विशाल ज्ञान का भंडार है। महोदय जी ने जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय से बीटेक, पुणे विश्वविद्यालय से एमटेक तथा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिम्बायोसिस से मानव संसाधन प्रबंधन में पीजीडीएम भी किया है। मोदी जी को सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशन के लिए सेना पदक वीरता से अलंकृत किया गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आपको अपने साथ पाकर हम बहुत सम्मान महसूस कर रहे हैं। अब हमारे माननीय मुख्य अतिथि एवस के निदेशक कर्नल ए के शर्मा जी का विशेष स्वागत करने के लिए मैं इस आभासी मंच पर हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई डॉक्टर ज्योति बदयाल, प्रिंसिपल एपीएस धारोर, एक्सटेंड माय हार्टफेल्ट वेलकम टू कर्नल ए के शर्मा, डायरेक्टर नर्दन कमांड, चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज इवेंट। Dear audience, it's a matter of pride for each one of us that sir has consented to be the chief guest despite his busy schedule and other very important commitments. Thank you so much, sir. You have always been a pioneering force behind the growth and development of Army Public School in Northern Command. Your insights and acumen in accomplishing schools with moral, infrastructural, ethical, and educational traits is highly substantial. You have always been a source of guidance and motivation for Team APS Dharod and have always urged us to perform better and always in a different manner. I hope for this great support and cooperation in future as well. Thank you for the unstinted support, sir. And once again, thank you so much for accepting to be our one of the chief guests today, sir. Thank you so much, sir. धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं आप सबको हमारी इस वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक गणों से परिचित करवाना चाहूंगी। हमारे पहले निर्णायक गण हैं हमारे पहले निर्णायक गण हैं आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से श्रीमान हयात सिंह परदयाल जी, जो वर्ष 2018 से स्नातकोत्तर हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमान हयात सिंह परदयाल जी, हमारे दूसरे निर्णायक गण हैं आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला से
स्नातकोत्तर हिंदी श्रीमान हरीश प्रसाद सेनवाल जी, इनका कार्य अनुभव 8 वर्ष का है और आपको 12वीं कक्षा के उत्कृष्ट परिणाम हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तथा विद्यालय के सभापति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है। हमारी आज की समय निर्णायिका है आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड से श्रीमती पूनम गुप्ता जी। मैं यहां पर उपस्थित सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, निर्णायकगणों, समय निर्णायिका, सभी विद्यालयों से उपस्थित शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का हमारे विद्यालय परिवार में हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। जैसे सूर्य की किरण छू ले जग का हर एक कण, जैसे खुशबू फूल की भर दे एक नई उमंग, जैसे श्वेत चांदनी में खिल उठे मन का आंगन, वैसे ही छू लेंगे हम सबका मन। आप सबको हमारा नमन, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अब मैं मंच संचालन का कार्य विद्यालय के विद्यार्थियों स्तुति, कनिका तथा सना को सौंपती हूँ। धन्यवाद महोदय, मुझे तैरने दे या फिर रहना सिखा दे, अपनी रजा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से, मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से, हे ईश्वर मुझे सुख और दुख के पास जीना सिखा दे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कार्य का शुभ आरंभ ईश्वर के आशीर्वाद के बिना सफल नहीं माना जाता है, तो इसी प्रथा को निभाते हुए हम इस आभासी मंच पर ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा, जाड्यांधकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वंदेतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदा। संगीत ईश्वर संगीत की पूजा, संगीत ईश्वर संगीत की पूजा, संगीत के बिना ना कोई दूजा। जीवन में संगीत का बहुत ही महत्व है, संगीत हमारे मन व मस्तिष्क को तरोताजा कर हमारे जीवन में स्फूर्ति लाता है। तो आइए आज हम इस आभासी मंच के माध्यम से सभी आमंत्रित अतिथियों का स्वागत इस स्वागत गीत द्वारा करते हैं। Thank you.
बहुत ही आनंदमय गीत था। अब मैं मन संचालन का आग्रह स्तुति से करती हूँ। धन्यवाद कनिका, मैं स्तुति आप सबके सामने उन महान व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जो हमारे विद्यालय और विद्यार्थियों की भलाई के लिए अग्रसर रहती हैं। जी हाँ, मैं माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योति बड़ियाल जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वह इस आभासी मंच के माध्यम से सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें शुभ आशीष प्रदान करें। सद्भवन में आए हुए सभी अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति बड़ियाल, आरबी पब्लिक स्कूल धार रोड की प्रधानाचार्य, आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम सभी के लिए ये गौरवपूर्ण क्षण है कि इस कोरोना काल में भी हम सब इन सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पा रहे हैं और आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का अवसर हमारे विद्यालय को प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए इस बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को इस मंच पर देखकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में हम सबका कोई लक्ष्य होना चाहिए और हम सबको एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक हम उस लक्ष्य को पा नहीं सके या प्राप्त नहीं कर सके। प्यारे बच्चों, जीवन के दो पहलू हैं, हार और जीत। हार हमेशा हमें ये सिखलाती है कि अभी हमें हमारा लक्ष्य पाने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है और जीत हमें ये सिखाती है कि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन क्षेत्र में प्यारे विद्यार्थियों, हमें प्रत्येक असफलता से सफलता की ओर बढ़ना होगा। जिस प्रकार हर अंधेरी रात के बाद एक प्यारी और सुंदर सी सुबह का आगमन होता है, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता से हम सब बहुत कुछ सीखेंगे, हमारा बहुत सा अधिगम इस आज के प्रतियोगिता से होगा और मेरी ओर से सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो करते हैं हौसला, जो करते हैं हौसला मंजिल पाने का, उनकी ही दुनिया कद्रदान होती है, उनकी ही दुनिया कद्रदान होती है। पंख होना ही काफी नहीं, पंख होना ही काफी नहीं, हौसलों से ही उड़ान होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी, आपके द्वारा कहे गए शब्द हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब आप सबके सामने प्रस्तुत है कक्षा आठवीं की छात्रा दृष्टि यादव द्वारा गाया गया एक मधुर गीत जिसका शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सुंदर
सचमुच बहुत ही आनंदमय गीत था। धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि जी से आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने की अनुमति मांगती हूँ। महोदय जी, क्या हमें अनुमति है? महोदय जी, क्या हमें आज का कार्यक्रम करने की अनुमति है? नहीं, ठीक। गुड मॉर्निंग ऑल द टीम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय प्राउड प्रिविलेज टू बी हियर टुडे एंड आई डिक्लेयर द नॉर्दर्न कमांड इंटर स्कूल डिबेट, हिंदी डिबेट ओपन। विश यू ऑल द बेस्ट, पार्टिसिपेट वेरी वेल एंड एंजॉय द डिबेट। धन्यवाद महोदय। जैसा कि सर्वविदित है कि प्रत्येक प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं, तो आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। नियम एक, प्रत्येक प्रतिभागी को इस आभासी मंच पर 3.5 से 4 मिनट तक बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि कोई प्रतिभागी 4 मिनट से अधिक अपने विचार प्रस्तुत करता है तो प्रत्येक 10 सेकंड पर उसका एक अंक काटा जाएगा, और यदि 3.5 मिनट से कम बोलता है तब भी उसका एक अंक काटा जाएगा। प्रत्येक विद्यालय के प्रश्नकर्ता को केवल एक ही प्रश्न पूछना होगा। यदि वे एक से अधिक प्रश्न पूछता है या अनावश्यक वाद विवाद करता है तो उसका भी प्रति प्रश्न एक अंक काटा जाएगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अपना तथा अपने विद्यालय का नाम गोपनीय रखना होगा। विषय संबंधित सामग्री को देखकर बोलने की अनुमति नहीं होगी। धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, शब्दों के इस खेल से तर्क से वेदों व्यू, अर्जुन वही है जो छू जाए श्रोताओं की। तो अब मैं इस आभासी मंच पर प्रतिभागी एक जो पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, 3-1 से प्रतिभागी एक को इस आभासी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आशा है आप तैयार होंगे। आपका समय शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। तो आपका समय शुरू होता है अब। प्रयोग का करो उपयोग। दुरुपयोग से है हानि। प्रयोग से है जीवन सुखम, दुरुपयोग से है कठिन कहानी। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक गण, शिक्षक गण, प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे साथियों, आज मैं दिए गए विषय के पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूं। किसी भी वस्तु का प्रयोग करने से लाभ या हानि हो सकती है। लाभ या हानि उस वस्तु के प्रयोग करने के तरीके पर निर्भर करता है। एक छोटा सा चाकू हमारे घरों में अत्यधिक काम आता है, परंतु अगर उसी चाकू का दुरुपयोग किया जाए तो वो किसी की जान तक ले सकता है। उसी प्रकार सोशल मीडिया का उपयोग करने से हम देश और दुनिया दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रचार और प्रसार बीते कुछ वर्षों में अधिक हो गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि न जाने ये जिंदगी का कैसा दौर है, इंसान खामोश है और ऑनलाइन कितना शोर है।
सोशल मीडिया का प्रभाव युवा पीढ़ी पर एक नशे की तरह पड़ रहा है। कहीं भी देखो, किसी समय भी देखो, मनुष्य सोशल मीडिया से ऐसे चिपक गया है जैसे चुंबक से लोहा। छुड़ाने की कोशिश करें तो फिर से चिपक जाता है। ये दुष्प्रचार हमारी भोली भाली युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। बहुत लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की समानता को चरम सीमा पर ले जाता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो कौन से विचारों का? एक दूसरे का शोषण करना? आज हमने चपरासी के पद से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक को अपमानित करने से नहीं चूके, तो कारण सोशल मीडिया। आज हमारा युवा भूल चुका है कि अभिव्यक्ति की समानता सिर्फ वहां तक ही सीमित है जहां तक किसी के आत्मसम्मान को क्षति ना पहुंचे। ये दुष्प्रचार हमारी भोली भाली युवा पीढ़ी को इस तरह प्रभावित कर रहा है कि वह ना घर के रहते हैं ना घाट के। आज अगर आतंकवाद अपनी जड़ें फैला रहा है तो उसे मिट्टी दे रहा है कौन? सोशल मीडिया। इससे पहले सोशल मीडिया युवा पीढ़ी की फांसी का फंदा बन जाए, इससे पहले सोशल मीडिया युवा पीढ़ी की फांसी का फंदा बन जाए, इससे पहले हर युवा जयचंद बन जाए। हे प्रभु, इन युवाओं को सलोने पंख दे देना जिन्हें पाकर ये युवा विवेकानंद बन जाए। युवा पीढ़ी का ये आकर्षण अगर समय रहते ही सीमाओं में नहीं रखा गया तो देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और स्वतंत्रता को भी हानि पहुंचा सकता है। आज सोशल मीडिया के कारण होने वाले जुर्म की वजह से पुलिस में साइबर सुरक्षा की शाखा खोलनी पड़ी। आज सोशल मीडिया उस जिन की तरह हो गया है जिसे हमने चिराग से तो निकाल दिया परंतु उसे वापस डालना नामुमकिन हो गया है। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ा है। इसी का फायदा उठाकर देश के दुश्मन युवा पीढ़ी की ऐसी राह भटका रहे हैं कि वे अच्छे और बुरे में फर्क करना भूल जाते हैं। देश के दुश्मन देश में अराजकता फैलाने की ताक में रहते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुलाम बनाना था जिसे, आज खुद उसकी उंगलियों पर नाचते हैं, कि गुलाम बनाना था जिसे आज खुद उसकी उंगलियों पर नाचते हैं। असमंजस्य है कि उसकी उंगली तोड़ूं या अपने पैर काटूं, उसकी उंगली तोड़ूं या अपने पैर काटूं, क्योंकि हालात आकर खड़े हो गए हैं। ना उसकी उंगली बिना जिया जाएगा, ना अपने पांव बिना चला जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार थे आपके। सच ही कहा गया है, झूठ को सच और सच को झूठ दिखाते हैं ये सोशल मीडिया वाले, आवाम को बरगलाते हैं। बड़ा ही नाजुक रिश्ता है लोगों का लोगों से, ये सोशल मीडिया वाले मुल्क को जहर की चाय पिलाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने पहले प्रश्नकर्ता, जो प्रश्नकर्ता एक हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपना प्रश्न पूछें। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। नमस्कार, टीम आठ से अवरोधक की भूमिका निभाते हुए मैं आज आपसे अपना पहला प्रश्न पूछने जा रहा हूं। मित्र, मेरा ये मानना है एक स्वतंत्र देश में पारदर्शिता रीढ़ की हड्डी के समान है। जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता का होना अनिवार्य है। जहां जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता नहीं होती, वहां की जनता स्वतंत्र भी नहीं होती और लोकतंत्र देखते ही देखते तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में अर्थात पारदर्शिता कायम रखने में सोशल मीडिया ने एक बेहद अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी का भी अंकुश नहीं, वह हमारी स्वतंत्रता का रक्षक है, भक्षक नहीं। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि इसके उपयोग से हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। प्रतिभागी एक अपना उत्तर दे सकते हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? टीम वन, टी वन, टीम वन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? और
तकनीकी खराबी के कारण शायद वे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। निर्णायक गणों से अनुरोध है कि वे कृपया इस ओर ध्यान दें। प्रश्नकर्ता से अनुरोध है वो थोड़ा इंतजार करें, देखते हैं शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। उनको फोन किया जा रहा है, आप अपने स्थान पर बने रहें। प्रश्नकर्ता का प्रश्न बड़ा ही उत्कृष्ट था, बहुत अच्छे से आपने अपना प्रश्न रखा। धन्यवाद। प्रतिभागी एक जी, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। क्या आपने प्रश्न सुना? नहीं, मैंने अपना प्रश्न पूरी तरीके से नहीं सुना। ठीक है, प्रश्नकर्ता प्रश्न दोहराएं। तो मैं अपना प्रश्न पुण्य दोहरा देता हूँ। मित्र, मेरा ये मानना है एक स्वतंत्र देश के लिए पारदर्शिता रीढ़ की हड्डी के समान है। जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता का होना अनिवार्य है। जहां जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता नहीं होती, वहां की जनता स्वतंत्र भी नहीं होती और लोकतंत्र देखते ही देखते तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में अर्थात पारदर्शिता कायम रखने में सोशल मीडिया ने एक बेहद अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी का भी अंकुश नहीं। वह हमारी स्वतंत्रता का रक्षक है, भक्षक नहीं। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि इसके उपयोग से हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब कश्मीर में जो कर्फ्यू लागू किया गया था, तब यहाँ पे सारी इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई थी और सारे जो सोशल मीडिया के जरिए हम वाद विवाद या कोई भी पारदर्शिता अपनी राष्ट्र से करते हैं, राष्ट्र के लोगों से करते हैं, वो सब बंद कर दिया गया था। इसी के कारण जो कि एक सर्वे में पता किया गया है कि 60% जो खबरें होती है सोशल मीडिया पे, या तो वो तोड़ मरोड़ कर दी जाती हैं या तो वो गलत होती हैं। तो उस समय सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया था ताकि कोई वाद विवाद ना हो सके, कोई बात ना हो सके, जब यहाँ आर्टिकल 370 हटाया गया था। तो तब पारदर्शिता किसी हद तक होनी चाहिए, उस समय नहीं होनी चाहिए जब माहौल वैसा ना हो। आपके विचार सराहनीय हैं, किंतु मैं आपके उत्तर से पूर्णतः सहमत नहीं। फिर भी उत्तर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रश्नकर्ता तथा धन्यवाद प्रतिभागी। अब मैं प्रतिभागी दो, टीम वन से प्रतिभागी दो से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचार हमारे समक्ष रखें। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। तो आपका समय शुरू होता है अब। सोशल मीडिया का साथ मिला, शिक्षा मिली उपहार, जीवन में आगे बढ़ने के लिए
सोशल मीडिया है ही आधार। सुप्रभात, आज मैं आप सभी के समक्ष दिए गए विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक स्वतंत्र देश है। भारत के युवा पीढ़ी को आचार्यों ने शिक्षित किया और देश को आगे बढ़ाया। इसी तरह हमारा देश प्रगति के मार्ग पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया का मतलब मीडिया के एक ऐसे मंच से है जहां अलग अलग प्रकार के लोग समान रूप से अपने विचार प्रकट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश विदेश के लोगों से ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के आदि हम लोगों से संपर्क कर पाते हैं और हमें नई नई जानकारियों के बारे में भी पता चलता है। यही नहीं, आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया पर अपने विचार प्रकट कर सकता है और लाखों लोगों तक भी पहुंचा सकता है। तो इसमें हमारा सामाजिक क्रियाकलाप पीछे कैसे रह सकता है? सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने पुराने दोस्तों को खोज सकते हैं और उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कि सोशल मीडिया के प्रयोग से हमारे देश के अस्मिता को कैसे खतरा है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल के गंभीर समय में सोशल मीडिया ने कितनी अहम भूमिका निभाई है और निभाता भी रहेगा। जहां बच्चों के स्कूल, महाविद्यालय और संस्था सब बंद थे, वहां सिर्फ सोशल मीडिया ही था जिसके साधन से हमारी पढ़ाई जारी रही और रुकी नहीं। तो अब आप बताइए कि सोशल मीडिया हमारे जीवन में क्या मायने नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। तभी तो कहा गया है कि शिक्षा में उपकरणों से भय सब काज, 21वीं सदी के इस नवयुग में सोशल मीडिया का राज। अब मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें सोशल मीडिया के बारे में लाना चाहूंगी, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, सोशल मीडिया के उपयोग से हमारे देश के अस्मिता को कोई खतरा नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने विशेष विद्या या कोई भी हुनर को विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया का ही प्रभाव था जिससे निर्भया और उसके जैसे कई को न्याय मिला और सरकार पर एक नया कानून बनाने का भी दबाव डाला जा सका। अब मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि देश के युवा अब जाग जाओ, सोशल मीडिया का उपयोग कर देश को उन्नत बनाओ। सोशल मीडिया का उपयोग कर देश को उन्नत बनाओ। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने अपने विचार बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किए। जी हाँ, कोरोना जैसी परिस्थितियों में सोशल मीडिया उपयोगी ही नहीं बल्कि वरदान सिद्ध हुआ है। सचमुच ही आपके विचार बहुत ही सराहनीय थे। अब मैं प्रश्नकर्ता एक से पुनः आग्रह करती हूँ कि वह अपने विपक्षी मित्र से प्रश्न पूछे। हाल ही में हमने सोशल मीडिया को हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा है, फिर चाहे वह प्रदर्शन की आड़ में दंगे हो या समुदायों के बीच में झगड़े कराना। इस तरह की गतिविधियां सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करती हैं और दूसरों की स्वतंत्रता का शोषण भी करती है। मैं ये जानता हूँ कि सोशल मीडिया सिर्फ एक माध्यम उपयोगकर्ता हम लोग ही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का अगर माध्यम ही ना होता या इसे नियंत्रण में रखा जाता तो शायद ऐसी हिंसक गतिविधियां ना होती? तो मैं जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के इस पहलू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि वह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करे। अगर जैसा कि आप आज के समय में ही देख लीजिए कि कोरोना काल के समय में सब चीजें बंद थी, सिर्फ सोशल मीडिया ही एक ऐसा साधन था जिससे हम यह विवाद वादन भी कर पा रहे हैं, तो यह कहना गलत होगा कि सोशल मीडिया के उपयोग कि सोशल मीडिया के उपयोग से हमारे देश के अस्मिता को कोई खतरा है।
ये देखा जा सकता है कि आपने उत्तर देने की पूरी कोशिश की, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए इस वाद विवाद प्रतियोगिता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले प्रतिभागी जो टीम दो से पक्ष पर बोलने जा रहे हैं उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। टीम टू पी वन, क्या आप तैयार हैं? टीम टू पी वन, क्या आप तैयार हैं? टीम टू पी वन, टीम दो से जो पक्ष पर बोलने जा रहे हैं सचमुच ही आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय बहुत ही आज की परिस्थितियों के अनुकूल है कि सोशल मीडिया का हमारे युवाओं के प्रति बढ़ता आकर्षण उन्हें कौन सा रास्ता दिखा रहा है। गुड मैम, टीम टू टी वन, क्या आप तैयार हैं? यस मैम। टीम टू पी वन को होस्ट लेट इन करे ना, वो इन नहीं हो पाता। मैम किस नाम से है? मैम पी आपने किस नाम से ज्वाइन कर रही हैं? टीम वन पी टू से ज्वाइन, टीम टू पी वन से ज्वाइन कर रही हैं? मैं उनकी टीचर बोल रही हूँ, स्नेह नाम से मैंने ज्वाइन किया है, पर स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहा है कि वो वेटिंग पे है, होस्ट इज नॉट लेटिंग मी इन। मैम आपने नाम चेंज नहीं किया है, स्टूडेंट अपने नाम से लॉग इन करे जी, उसने अपना नाम चेंज, टीम टू पी वन से लॉग इन करे मैम, आप पी टू पी वन से लॉग इन किया है। मैम बच्चे का नाम क्या है? जैस्मिन। नाम चेंज करके टीम टू पी वन के नाम से वो आएगा मैम। मैम जब तक वो अपने नाम को रीनेम नहीं करेगा, हमने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि अपने नाम को रीनेम कर लीजिए, अभी तक बच्चे ने रीनेम नहीं किया है तो मैम वो इन नहीं करेंगे। मैम पहले आप रीनेम कर लीजिए, फिर हम आपको यहाँ पे ज्वाइन करवा लेते हैं। राइट मैम, मैम प्लीज जल्दी कीजिए। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे बच्चों ने कितने अच्छे अपने विचार प्रस्तुत किए, सोशल मीडिया का अगर प्रचलन देखा जाए तो दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, कहीं ये लाभदायक सिद्ध होता है और कहीं ये हानिकारक सिद्ध होता है, और आज की कोरोना परिस्थिति में तो ये लाभदायक ही नहीं वरदान सिद्ध हो रहा है। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में बच्चे जिस प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है उनके विचारों को सुनकर। मैम टीम टू टी वन, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? मैम हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं टीचर को, अगर आपके बच्चे 2 मिनट के अंदर लॉग इन कर लेते हैं, अपने नाम को रीनेम कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको डिस्क्वालिफाई किया जाएगा। यस मैम रीनेम हो गया मैम, अभी वो ज्वाइन कर रही है। थैंक यू मैम फॉर दिस टाइम ना। जी
ओके मैम ओके टीम टू टी वन क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं टीम टू टी टू क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं टीम टू टी टू उसको रिमूव कर दिया है बाय द होस्ट मैम रीजॉइन कीजिए नाम नहीं जैसे बताया गया है टीम टू टी वन के नाम से रीनेम करके ज्वाइन कीजिए जैसे आपको बताया गया है आपको मॉक ड्रिल में भी बताया गया था और जब मैंने सुबह निर्देश दिए तब भी मैंने बताया था और बच्चे को भी बताया था मैम बच्चा बार बार अपने नाम से ज्वाइन कर रहा है जो कि अलाउड नहीं है हम उसे अनुमति नहीं देंगे अपने नाम से उसे बोले नाम से या स्वयं के नाम से नहीं आप ज्वाइन कर सकते आप अपने क्रमांक के अनुसार ही ज्वाइन करिए टीम टू पी वन मैम बताइए क्या बच्चे ने किया अपने नाम को रीनेम किया टीम टू टी वन हम यहाँ पर विद्यालय का नाम घोषित नहीं कर सकते विद्यालय का नाम घोषित करना वर्जित है मैंने पहले ही बता दिया था बच्चा टीम टू टी वन के नाम से आएगा यस मैम उस रीनेम करके ये ज्वाइन कर रही है बट होस्ट उसको इन नहीं कर रहा है नहीं मैम उसको मैसेज आ रहा है कि यू आर रिमूव्ड बाय द होस्ट ऐसा नहीं है मैम आप दोबारा से रीजॉइन कीजिए बच्चे को बोलो दोबारा से रीजॉइन कीजिए बेटा एक बार आप दोबारा ज्वाइन करो और रीनेम करके जो आपको टीम टू और पी वन दिया है वो एक बार लास्ट कॉल दिया मैम टीम टू पी वन करके देखते हैं मैम जो आएगा मैसेज आपको बताते हैं मैम राइट राइट मैम राइट मैम उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड किया है मोबाइल से जिसमें लिखा है प्रॉब्लम और नीचे और आपको अपने नाम से ज्वाइन कर रही थी आपको बार बार बताया जा रहा है नाम और विद्यालय के नाम से ज्वाइन नहीं करना है टीम के नाम से टीम टू दिया गया है आपको और पी वन प्रतिभागी एक को पी वन और प्रतिभागी दो जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है उसे क्रमांक दो दिया गया है पी टू और इंटरजेक्टर के लिए आई रखा गया है कोड रखा गया है ताकि हमारे निर्णायक गण किसी भी विद्यालय को पहचान ना सके राइट मैम जस्ट हेलो जैस्मिन टी टू पी वन से ज्वाइन करो टी टू पी वन से फिर भी नहीं हो रहा मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना क्या लिख रहे वो तो बोल रही है कि वो टी टू पी वन से कर रही है मैम हमारे सामने ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा है हम उसी का इंतजार कर रहे हैं वरना हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते
चलो फिर बाद में करवा देते हैं। आप उसे पूछिए ना उनसे। मैं पूछ बोल रही थी अपना नाम हमें अपनी दी गई थी उससे ज्यादा हो चुकी है, अभी तक आपका बच्चा हमें नहीं दिखाई दे रहा। वो आपकी आवाज। May I have your kind attention, please? Am I audible? Yes, ma'am. मुझे आप सुन पा रहे हैं? आज के मुख्य अतिथि की डायरेक्शन से, उनके निर्देशन से नेक्स्ट टीम को अभी पार्टिसिपेट कर लेंगे, ले विल पार्टिसिपेट एट द एंड। उनसे अनुमति मिल गई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो तब तक करें, ले जो है अब एंड में पार्टिसिपेट करेगा। आई होप इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। यस। सारे स्कूल्स के प्रधानाचार्य इस फंक्शन में उपस्थित हैं, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। As per the direction of Director Abers, next participating team has to participate right now without wasting the time. Thank you so much. Thank you, ma'am. अब मैं टीम थ्री P1 से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को हमारे सामने रखें। क्या आप तैयार हैं? जी मैम, मैं आपका समय शुरू होता है अब। ज्ञानवर्धन की होड़ डगर को छोड़ हर जगह सोशल मीडिया का बोलबाला है, छात्रों के जीवन को दांव पे लगा दिया, आधुनिक युग निराला है, समझदार को भी पागल बना दिया, आलस के जंजाल में सबको फंसा दिया। अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, इस सोशल मीडिया ने, जी हाँ इस सोशल मीडिया ने आज की युवा पीढ़ी को भी दिशाहीन बना दिया। नमस्कार, आज मैं टीम तीन की प्रतिभागी एक दिए गए विषय स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण के पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। युवा पीढ़ी किसी भी राष्ट्र का आधार होती है, जिस प्रकार कोई भी भवन बिना नींव के नहीं टिक सकता, उसी तरह कोई भी राष्ट्र बिना युवा शक्ति की प्रगति नहीं कर सकता। किंतु हम सब जानते हैं कि हमारी आज की युवा पीढ़ी ही हमारे उज्जवल भविष्य की नींव है, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यही युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया के चकाचौंध और आकर्षण में डूबी हुई है, हमारे स्वतंत्र देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। जी हाँ महोदय, सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष ने जिस स्वतंत्र देश की स्थापना की थी, क्या ये वही देश है जो आज पूर्ण रूप से सोशल मीडिया का गुलाम बन चुका है? अरे भारत माता की खातिर जो हंसते हंसते सूली पर झूल गए, लाइक शेयर कमेंट के चक्कर में हम भगत सिंह को ही भूल गए। मानवर आज तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप लाख रोक लगा लो, बच्चे खासकर युवा पीढ़ी किसी ना किसी तरह से सोशल साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर के झांसे में आ ही जाती है और फिर इसकी तरफ इतना आकर्षित होती है कि वह जिन्हें जानती तक नहीं उन्हें भी अपना मित्र बना लेती है और यहीं से शुरुआत होती है झगड़े अपराधों की। जी हाँ मेरे मित्रों, झगड़े अपराधों की। आज का युवा समय से पहले ही परिपक्व हो रहा है और यही परिपक्वता उसे अपराधों के गहरे जाल में फंसाती जा रही है। सोशल मीडिया रूपी सांप ने ना जाने हमारे कितने ही युवाओं को डस लिया है। अभी हाल ही में राजस्थान के एक युवा ने सोशल मीडिया से भ्रमित होकर अपने माता पिता के लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए और इतना ही नहीं उनकी हत्या कर दी। जी हाँ महोदय, अपने माता पिता तक की हत्या कर दी। ऐसे ही अनेक युवा सोशल मीडिया का शिकार बन रहे हैं। इनमें से कईयों ने अपनी जान गंवाई है तो कईयों ने दूसरों की जान ली है और हम इसे बहादुरी का नाम देते हैं। सोशल मीडिया में डूबती युवा पीढ़ी ने हमारे संस्कार व मूल्यों को भी तार तार करके रख दिया है। हाथ में फोन आते ही आज का युवा तो अपने बड़ों तक का लिहाज नहीं करता। नतीजा भारत जैसे देश में जिसे देव भूमि कहा जाता है, वहां आज दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम की बढ़ोतरी हो रही है। अरे बेटा ही अपने माता पिता का दुश्मन बनता जा रहा है। आदरणीय महोदय जी व
वर्तमान परिस्थिति कोरोना काल ने तो युवाओं का आकर्षण सोशल मीडिया की तरफ और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, या यूं कहूं कि इस कोरोना काल ने आकर्षण में आग में घी डालने का काम किया है। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा होता है, हर बच्चा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला रहा होता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी को ना अब कोई याद करे, पबजी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर में पढ़कर अपना भविष्य बर्बाद करे, अपना भविष्य बर्बाद करे। आज कई ऐसे शोध हुए हैं जिनसे पता चलता है कि युवाओं का सोशल मीडिया की तरफ बढ़ता आकर्षण उनके मन तथा मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। अंत में मैं बस यही कहूंगी, भूल गए आदर्शों को, सभ्यता और संस्कारों को, ऐसा नाता सोशल मीडिया से जोड़ा है। अरे फोन बन गया दादा नाना, अरे फोन बन गया दादा नाना, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा है, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा है। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार थे आपके। तनिक स्वार्थ के लिए हर क्यों तुम आनंद बीज बोते हो, बीत चुका है बहुत कुछ, जो बचा है उसे क्यों तुम खोते हो। अब मैं प्रश्नकर्ता टीम से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपना प्रश्न पूछें। क्या आप तैयार हैं? जी। सुप्रभातम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, निर्णायक गण, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे साथियों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे प्रश्न पूछने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। महोदय, मैंने पक्ष के प्रतिभागी का पूरा वक्तव्य सुना और मेरे मन में यही विचार आ रहा है कि परिवर्तनम सृष्टि मूलम। महोदय, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब जब मानव ने परंपरावादी लीक से हटकर कुछ कहा है या कुछ किया है, तब तब उसका विरोध तो हुआ ही है। आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक में परिवर्तन के अनेक दौर आए हैं। इस 21वीं सदी से 22वीं सदी के वैश्विक परिवर्तन में हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते, इसीलिए हमें सोशल मीडिया का सहारा लेकर ही बढ़ना होगा। तो इसी के साथ अब मैं पक्ष के प्रतिभागी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस कोरोना महामारी के दौरान एक ओर जहां लोग काल के ग्रास में समा रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसी सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक लोग जागरूक बनकर अपने प्राण भी बचा रहे थे। यही नहीं, लाखों नवयुवक घर बैठे इसी सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त कर रहे थे। तो ऐसे में अब आप कैसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया हमें नुकसान पहुंचा रहा है? सबसे पहले तो आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया ने कितने तरह से हमारी मदद की है, तो मैंने सोशल मीडिया के उपयोग से मना नहीं किया। मैंने कब सोशल मीडिया को बुरा कहा? सुना आपने, मैंने ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया बुरा है, मैंने कहा सोशल मीडिया का आकर्षण बुरा है। मैं मानती हूँ कि इस कोरोना काल में बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है वो भी सोशल मीडिया से हो रही है, परंतु वो उपयोग है, आकर्षण नहीं है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है। आपने शायद मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना, विचारों को तक आपने विषय को भी ध्यान से नहीं सुना। विषय है देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण। मैं यहाँ पर उपयोग तथा दुरुपयोग पर कोई निबंध नहीं बोल रही हूँ, मैं आकर्षण की बात कर रही हूँ। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, और आपने ये तो सुना ही होगा, अति की भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इसका अर्थ ये है कि आकर्षण किसी भी चीज का बुरा होता है और अति भी। उपयोग बुरा नहीं है, अति बुरी है अति। आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। बहुत ही सराहनीय प्रश्न और बहुत ही प्रशंसनीय उत्तर, धन्यवाद आपका। अब मैं टीम थ्री के P2 को बुलाना चाहूंगी जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। टीम थ्री P2, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। सोशल मीडिया ने इस दुनिया को और भी आधुनिक बनाया है, हर क्षेत्र में हर दिशा में अपना परचम लहराया है। शिक्षा हो या चिकित्सा, ऑफिस हो या मनोरंजन, हर जगह एक नवीन क्रांति को जगाया है। बनकर युवा पीढ़ी की सीढ़ी, बनकर युवा पीढ़ी की सीढ़ी, इसने स्वतंत्र देश के गौरव को और भी बढ़ाया है। आदरणीय मुख्य अतिथि, सूरज के समान तेजस्वी निर्णायक गण, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथी, आज मैं प्रतिभागी दो आप सबके समक्ष दिए गए विषय स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण के विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
मेरे विपक्षी मित्रों की बातों को सुनकर मैं तो बिल्कुल स्तब्ध सी हो गई हूँ, जो सोशल मीडिया को, जी हाँ मान्यवर, जो सोशल मीडिया को देश के अस्तित्व के लिए खतरा मान रहे हैं। परंतु वे शायद ये भूल गए हैं कि आज के वर्तमान और आधुनिक युग में सोशल मीडिया हर किसी के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज तो प्रत्येक वर्ष 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस भी मनाया जाता है, तो फिर हम और आप इसे किस प्रकार से खतरा मान सकते हैं? और रही बात युवा पीढ़ी की, तो मैं आपको बता दूं, यदि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से आकर्षित नहीं होगी तो बहुत ही पिछड़ी हुई मानी जाएगी। मत भूलिए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जब जब इंसान ने परंपरावादी रीत से हटकर कुछ किया है तो उसका विरोध तो निश्चित ही हुआ है। अब खैर छोड़िए भी इन धक्के-धक्के बातों को, और कबूतर से ट्विटर तक के सफर का आनंद उठाइए और अपनी व अपने देश की प्रगति का हिस्सा बनिए। सोच बदलो, विचार बदलो, हौसले से संसार बदलो। क्यों छोटी होती जा रही है सोच तुम्हारी? अरे अपनी छोटी सोच का आकार तो बदलो। मेरे मित्रों, ये तो आप सबने सुना ही होगा कि पैर की मोच और छोटी सोच हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और हमारी आज की युवा पीढ़ी ही हमारे देश की निर्माता है, और यदि हम उनके ही पाँव में बेड़िया डाल देंगे मान्यवर, तो हमारा भविष्य तो निश्चित ही अंधकार युक्त होगा। आज के समय में कोरोना भी अपने चरम पर पहुंच गया है, और ये सोशल मीडिया ही है जनाब, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को घर बैठे बैठे ज्ञान मिल रहा है, और मेरे विपक्षी मित्र तो इसे आकर्षण का नाम दे रहे हैं। विद्यार्थी को विद्यालय और मरीजों को घर बैठे बैठे अस्पताल मिल रहे हैं। आज तो डिग्रियां हाथ में लेकर कंपनी दफ्तर की ठोकरें खाते नौजवानों को सहारा दिलाकर उनका सहारा बना सोशल मीडिया। नाम और पहचान दब्बू व्यक्ति की कला को पहचान कर उसका सहारा बना सोशल मीडिया। अभी हाल ही में आजकल प्रचलित प्रसिद्ध गीत बचपन का प्यार मेरा गायक बच्चे को तो शायद आप भूले नहीं होंगे, जिसे रातों रात सोशल मीडिया ने एक चमकता हुआ सितारा बना दिया, और मेरे विपक्षी मित्र तो इसे देश के गौरव के लिए खतरा मान रहे हैं। मेरे विपक्षी मित्रों के विचारों को सुनकर मुझे तो बस अब यही पंक्तियां याद आ रही हैं। उम्र भर गालिब यह गलती करता रहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। उम्र भर गालिब यह गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी फिर भी आईना साफ करता रहा। मेरे मित्रों, सोशल मीडिया महज एक माध्यम है, और माध्यम को दोष देना बंद कीजिए। यदि आपको अपनी रक्षा हेतु हथियार दिया जाए और आप उस हथियार को अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि स्वयं को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे मित्र दोष हथियार का नहीं बल्कि दोष आपका है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, यदि आज सोशल मीडिया ना होता तो व्हाट्सएप और जूम भी ना होता। हो रही है वाद विवाद प्रतियोगिता जिस मंच पर, उस मंच का आधार भी ना होता, आज यहाँ ना तुम होते, ना मैं होती, ना हमारे विचारों का आदान प्रदान। धन्यवाद। अति उत्तम विचार। कहीं फायदे सोशल मीडिया से तो कहीं अनगिनत नुकसान हुए हैं। इस सोशल मीडिया के कारण ही आज मुश्किल कार्य भी आसान हुए हैं। आपने अपने विचारों को बहुत ही अच्छे प्रस्तुत किया, आपके विचार बहुत ही सराहनीय थे। अब मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने प्रश्न को पूछे। क्या आप तैयार हैं? जी महोदय, मैंने विपक्ष के प्रतिभागी के तर्क सुने, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक ओर जहाँ सोशल मीडिया के गुणों का बखान कर उसे महिमा मंडित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके दोषों को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। अब मैं विपक्ष के प्रतिभागी से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जहां परिवार के लोग एक साथ बड़े बड़े दालानों और घरों में रहते थे, माता पिता को भगवान दर्जा देते थे, और तो और सभी छोटे बड़े मिलकर त्योहार मनाया करते थे, वहीं आज सोशल मीडिया की वजह से लोग छोटे छोटे कमरों में बंद हो गए हैं। माता पिता की जगह अब मोबाइल और लैपटॉप को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। वैदिक संस्कृति की जगह पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला हो रहा है। तो अब ऐसे में आप ही बताइए कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वैदिक संस्कृति संपन्न देश में बिखरा हुआ सोशल मीडिया का उपयोग कहाँ तक उचित है?
मेरे मित्र, मैं आपको आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद का कहना चाहूंगी। मेरे मित्र, मुझे आप ही बताइए, जब भी हम अपना किसी भी सोशल साइट पे अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर हमें ये कोई फॉर्म तो नहीं भरना पड़ता ना कि हमें उसकी तरफ आकर्षण होना ही होना है? ये तो नहीं लिखा होता ना उसमें कि हमें अपने माता पिता को भूल जाना है सोशल मीडिया की वजह से, या हमारे माता पिता से हमें बात नहीं करनी, या हमें सिर्फ सोशल मीडिया से ही जुड़े रहना है? ऐसा कहीं तो लिखा नहीं होता। अगर लिखा होता है तो मुझे उसके बारे में तो पता नहीं है। मेरे मित्र, देखिए, इसमें गलती सोशल मीडिया की नहीं है। सोशल मीडिया महज एक माध्यम है और माध्यम को दोष देना गलत है। यदि आपको अपनी रक्षा हेतु हथियार दिया जाए और उसे आप अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि आप स्वयं को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मेरे मित्र, दोष हथियार का नहीं, दोष आपका है। और अब मैं क्या करूं अगर आपकी दृष्टिकोण ही गलत है? इसमें मेरा तो कुछ मैं कह नहीं सकती। मैं आपके विचारों को सुनकर तो बस यही कहना चाहूंगी, भला बुरा ना कोई रूप से कहलाता है, दृष्टि भेद स्वयं दोष गुण दिखलाता है। कोई देखता है कमल की कली कीचड़ में, तो मेरे मित्र, किसी को तो चांद पर भी दाग नजर आता है, और शायद वही दाग आपको अभी सोशल मीडिया में नजर आ रहा है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप मेरे प्रश्न से उत्तर देते हैं। बहुत बढ़िया, अति उत्तम प्रश्न और अति उत्तम उत्तर। तो अब आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं टीम 4 के प्रतिभागी T1 से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों को हमारे समक्ष रखे। टीम 4 T1, क्या आप तैयार हैं? टीम 4 T1, क्या आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी की हर सांस है वतन के लिए। अरे कह गई पासियों में फंसी दे गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। नमस्कार आदरणीय अध्यापिका, निर्णायक एवं सभा में उपस्थित श्रोता, आज मैं भी अपना सौभाग्य समझती हूँ कि शुभ मंच पर मुझे दिए गए विषय के पक्ष में होते हुए अपने कुछ विचार व्यक्त करने का मौका मिला। युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण का एक देश तभी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है कि यदि उसका युवा संस्कारी एवं ऊर्जा होगा। लेकिन जिस तरह से आज का युवा सोशल मीडिया के मुंह जाकर जकड़ा जा चुका है, वह सभी राष्ट्र प्रेमियों एवं आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। आज के युवाओं की ऐसी मानसिकता हो गई है कि उनके लिए आटा भले ही छिन जाए लेकिन डाटा डाटा ही नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया की काल्पनिक दुनिया में आज का युवा इतना मशगूल हो चुका है कि उसकी मानवीय संवेदना शून्य होती जा रही है, और इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ किसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो मदद करने वाला तो कोई नहीं होता है लेकिन सेल्फी लेने वाले हजार होते हैं। आज का युवा यह बात भूल चुका है कि चित्र नहीं चरित्र जरूरी होता है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि हेलमेट लगाना भूल जाएगी लेकिन हेडफोन्स लगाना कभी ना भूलें। साहित्य ही समाज का दर्पण है। यदि एक देश को तोड़ना है तो सबसे पहले उसके साहित्य के साथ ही छेड़छाड़ की जाती है। आज व्हाट्सएप तथा फेसबुक विश्वविद्यालय, जी हाँ अध्यक्ष महोदय, व्हाट्सएप तथा फेसबुक विश्वविद्यालय ने जिस तरह से हमारे देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है उससे हमारे देश की एकता व अखंडता को खतरा पहुंचता है। इतना नहीं, टीआरपी बटोरने के चक्कर में बहुत से न्यूज चैनल खुले मंच पर विरोधी एजेंडे चलाते हैं, युवाओं को गुमराह किया जाता है, फिर भी सब मौत भी बैठ जाते हैं। इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया से आहत होकर बहुत से युवा एवं बच्चे आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठा रहे हैं। फ्री फायर, पबजी और चिकन डिनर चैंपियन बनने वाले भ्रमित युवाओं से मैं यही आग्रह करना चाहूंगी कि दुनिया थर थर थर्रा जाए तुम ऐसी नकार हो। 70 वर्षीय कायर बनकर छीने से तो अच्छा है फौलादी तुम 10 वर्ष के भगत सिंह सरदार बनो, भगत सिंह सरदार बनो। महोदय, आज के हालात ऐसे होते हैं कि फेसबुक पर 1000 दोस्त हैं और इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन बेचारे घर वालों से तो बोलचाल ही बंद हो गई है। इसलिए मैं अपने उन सभी युवा मित्रों को जो अपने निजी जिंदगी में सोशल मीडिया पर भी महत्व देते हैं यही कहना चाहती हूँ कि शेयर कितने लाइक कितने यह जरूरी है, शेयर कितने लाइक कितने यह जरूरी नहीं, अपने कितने साथ कितने यह जरूरी है, अपने कितने साथ कितने यह जरूरी है।
महोदय मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी यह बात भूलती जा रही है कि व्हाट्सएप और फेसबुक को नहीं बल्कि अपने आप को अपडेट करना अधिक जरूरी है। आज हम अपने आप को गर्व से स्वतंत्र भारत के नागरिक बोल सकते हैं, लेकिन इस स्वतंत्र भारत को भी सोशल मीडिया नामक दिन बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय आज मैं समृद्ध मन से यही आह्वान करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के प्रति आकर्षित युवा पीढ़ी को इससे विमुख कराया जाना फिर से प्रगति के पथ पर। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विश्व पटल के मानचित्र पर भारत का सम्मान है, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी एक पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब चाहे जो भी हो, सवाल आपके दिल में केवल जिंदा हिंदुस्तान है, जिंदा हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत ही उत्तम विचार थे आपके। सच ही कहा है, टूट गए संयुक्त परिवार, टूट गए संयुक्त परिवार जब शहरी आधुनिकरण हुआ, टूट गए संयुक्त परिवार जब से शहरी आधुनिकरण का जोर शोर हुआ, नैतिक शिक्षा संस्कारों की धरोहर ना बची जब से सोशल मीडिया का चहुमुखी चारों ओर। तो अब मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने प्रश्न पूछे। क्या आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। सुप्रभात। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। मित्र, मैंने आपकी बातें सुनी, मैं आपके विचारों से सहमत भी हूँ, परंतु मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न उठा। आपने सोशल मीडिया की नकारात्मकताएं ही बताई हैं, परंतु आपको इसका भी ध्यान होना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अब विश्व के किसी भी कोने में बैठे रिश्तेदारों, मित्रों अथवा किसी भी संबंधी से हम कभी भी कहीं भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे धन समय हर चीज की बचत होती है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। जैसे कि सिक्के के दो पहलू, उसका सिर एवं उसकी पूंछ, उसी प्रकार हमारे जीवन एवं हर किसी चीज के दो ही पहलू होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, आप सोशल मीडिया के केवल सकारात्मक प्रभावों पर ही ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यदि किसी भी चीज के नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होते हैं तो मेरे ख्याल से उस चीज को बुरी ही माना जाता है। सोशल मीडिया हमारे लिए एक दानव बनकर ही सामने आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे खेल हैं जिसे खेलकर, जैसे पबजी, फ्री फायर, इन खेलों को खेलकर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये एक नकारात्मक प्रभाव होगा सोशल मीडिया का। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया के अच्छे प्रभाव नहीं है। बिल्कुल, सोशल मीडिया के बहुत से अच्छे प्रभाव भी है, लेकिन अच्छों से ज्यादा सोशल मीडिया के बुरे प्रभाव है। इसलिए मेरे ख्याल से सोशल मीडिया युवा पीढ़ी के लिए एक दानव बनती ही आई। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। आपने प्रयास अच्छा किया, परंतु मैं आपके उत्तर से पूर्णतः सहमत नहीं। अति उत्तम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपने भी उत्तर देने की पूर्ण कोशिश की। अब मैं प्रतिभागी दो, टीम फोर टी टू से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों को व्यक्त करें। क्या आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। नौ-दस की नहीं हर एक की हमराज हूँ, नौ-दस की नहीं हर एक की हमराज हूँ, बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिलियां कानों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे, अरे दिलियां कानों की जगह मस्तिष्क से सुनिए मुझे, क्योंकि मैं अगला नहीं इस देश की आवाज हूँ, इस देश की आवाज हूँ। सम्मानित मंच को नमन, सुविधे सभासदों को मेरा आदाब, और कुतर्क के बेहतरीन तीर अंदाज मेरे प्रतिपक्षी को मेरा सलाम। मान्यवर हुआ यूं कि मन को भाई पर मुंह फिराए, सोशल मीडिया को धीमा जहर बताने वालों, ट्रोलिंग कर अपना कंठ सुखाने वालों, जी हां पक्षियों आपके बारे में ही बात कर रही हूँ, विकृतियों का विराट रूप बताने वालों, सोशल मीडिया पर हमारे युवाओं को भ्रमित करने वालों, सोशल मीडिया पर संगीन आरोप लगाने वालों, मैं आपसे पूछती हूँ, जी हाँ सोशल मीडिया को हमारे देश की अस्मिता के लिए खतरा बताने वालों, मैं आपसे पूछती हूँ, पहले अपने अंदर झांके। फेसबुक के बिना आपकी सुबह नहीं होती, व्हाट्सएप के बिना आपकी दाल नहीं बनती, अरे ईमेल के बिना आपका हाजमा खराब रहता है, पेटीएम के बिना घर में नमक नहीं
नहीं आता, पिंटरेस्ट के बिना इंटरेस्ट नहीं आता, यूट्यूब के बिना टायर ट्यूब पंचर है, मौसम के हाल से लेकर सब्जियों के भाव तक हर एक चीज के लिए आज आम आदमी सोशल मीडिया पर निर्भर है, सोशल मीडिया पर निर्भर है। जिस मोबाइल फोन को क्लासरूम तक पहुंचने नहीं दिया जाता था, आज शायद से वही मोबाइल फोन हमारी क्लासरूम बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज वही मोबाइल फोन हमारी शिक्षा का माध्यम बन गया है, आज वही मोबाइल फोन हमारी क्लासरूम बन गया है। शिक्षा को जो व्यवसायीकरण हुआ करता था, जो शिक्षा केवल बड़े घरानों तक सीमित थी, आज वही शिक्षा सामग्री सोशल मीडिया की देन यूट्यूब टेलीग्राम के माध्यम से घर घर तक पहुँचाई जा रही है, आम जन तक पहुँचाई जा रही है। अरे मेरे प्यारे पक्षियों, जब जब मेरे देश में कामिनी जैसी घटनाएं हुई हैं, तब तब सोशल मीडिया की ताकत के बदौलत ही मेरे देश की संसद को आधी रात को कानून बनाना पड़ा। भले ही कोस लो तुम सोशल मीडिया को, अरे भले ही कोस लो तुम सोशल मीडिया को, पर इसकी उपयोगिता कैसे दरकिनार कर पाओगे? अरे बिना फोन के कैसा होगा जीवन, क्या इसकी कभी कल्पना भी कर पाओगे? जी हाँ, अब मैं मेरे प्रतिपक्षियों को, जो कि यह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया हमारी देश की अस्मिता के लिए खतरा है, उनको ये भी बताना चाहूंगी कि कैसे हमारे देश के भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को सोशल मीडिया की ताकत के बदौलत ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। कैसे मौलाना यूसुफ़ज़ई को ना केवल पूरा विश्व सुनता है, बल्कि पूरे विश्व में उन्हें सबसे सर्वोच्च सम्मानित स्थान प्राप्त है। कैसे हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर पूरे विश्व में जा रही हैं, पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वो हमारे जम्मू के जवान श्री राकेश्वर सिंह मनाल, जो पिछले कुछ महीनों पहले नक्सलियों की कैद में आ गए थे, उनकी सकुशल वापसी में भी सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी हाँ, अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि जिस सोशल मीडिया के बदौलत आज की हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, उस सोशल मीडिया के खिलाफ होते हुए मेरे प्रतिपक्षियों को जरा संकोच नहीं हो रहा। जीमेल से रजिस्ट्रेशन, व्हाट्सएप से इन्विटेशन और तो और जिस जूम ऐप के द्वारा आज हमें वाद विवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया की भीड़ देख रहे हैं। अरे दिया, मुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले बाकी तेल भी संभाल लिया करो। दिया, मुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले बाकी तेल भी संभाल लिया करो। हर चीज में खामियां ढूंढने वालों का भी खूबियों को भी पहचान लिया करो। धन्यवाद। अति उत्तम, आपके विचार बहुत ही सराहनीय थे। आज तकनीक ने हर जगत में बहुत उन्नति कर ली। अति सत्य वचन घंटों के काम मिनटों में कराए। तकनीक जिन तक पहुंचना है मुश्किल, पल भर में उन तक अपनी खबर पहुंचाए। तकनीक मनोरंजन भरपूर, इसमें सबका दिल बहलाए। तकनीक जो है नहीं इंसान के बस में, वह भी करके दिखलाए। अति उत्तम, आपने बड़े अच्छे से अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वह अपना प्रश्न पूछे। मित्र, मैंने आपके वक्तव्य को ध्यान से सुना और आपके विचार उत्तम हैं, परंतु मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है। आपने सोशल मीडिया की सकारात्मकताएं ही बताई हैं, लेकिन आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर हर जानकारी सरलता से उपलब्ध होने के कारण ही आज की युवा पीढ़ी अपने हर कार्य के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर सी हो गई है और अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं कर रही। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि नदी में गिरने से कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, आदमी की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं होती, वह समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं। तो यदि हम अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, हम हर चीज के लिए अपने आप को सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं करने, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने मानसिकता के विकास के लिए, हमें अपने विचारों को भी अपने मन से, अपने चित से स्पष्ट करना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि हमें हर चीज के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, परंतु हमें जो जो चीजें हमें सोशल मीडिया दे रही है, उसे लेने में भी क्या है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, परंतु मैं आपके उत्तर से पूर्णतः सहमत हूँ। धन्यवाद आप दोनों को। अब मैं प्रतियोगिता के अगले प्रतिभागी टीम 5P1 टीम 5P1 को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। क्या आप तैयार हैं? हाँ।
जी हाँ मैं तैयार हूँ। P1 एक मिनट बेटा, एक मिनट। टीम 5 P1 आपका समय शुरू होता है अब। मन की थकन उतार दे वो अवकाश चाहिए, इस भागती सी जिंदगी में फुर्सत की सांस चाहिए, चेहरों को नहीं दिल को भी पढ़ने का वक्त हो, सोशल मीडिया से अब कुछ पल का संन्यास चाहिए, अब बहुत मन भर गया है बड़प्पन और मान से, है बहुत तृप्त अहम झूठी यान बान शान से, इसको भी अब एक दिन का उपवास चाहिए, विक्रमादित्य सिंहासन पर आरूढ़ निष्पक्ष न्यायाधीश पर ज्ञान गंगा पर अध्यापक पर एवं निर्देश के भावी करने था, आज मैं आप सबके समक्ष इस विषय के पक्ष में बोलने जा रही हूँ। देखिए ये गलत नहीं होगा कहना कि सोशल मीडिया बिल्कुल वैसा है जैसे मुख में नाम बगल में छुरी या सीन का साथी कह लीजिए, बाहर से तो बहुत आकर्षित है, बहुत मिठास भरी है सोशल मीडिया में और हम से अपना मित्र मान लेते, पर धीरे धीरे हमारी मित्रता घनिष्ठ होने लगती और हम इसके समंदर में डूब जाते हैं, ना सपने हमारे पास रहे ना अपने। देखिए किसी भी चीज का कायदे से इस्तेमाल करें तो वो कभी गलत हो भी नहीं सकती, लेकिन जनाब सोशल मीडिया का तो कायदे से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो अपने कायदे सालों पहले ही भूल चुका है। हमारे देश में चार कदम रखते ही आपको अलग भाषा और अलग जात के लोग मिलेंगे, ऐसे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में कुछ मिनट ही लगेंगे शायद, हिंदू और मुस्लिम के बीच का महाभारत का युद्ध छिड़ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 59 सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर रोक लगाई क्योंकि वो हमारे देश की अखंडता और राष्ट्र सुरक्षा के लिए हानिकारक साबित हुई, छोटे छोटे बच्चों ने ऐसे कई विषय देखे थे जो उनके दिमाग में गंध भर सकते हैं, हिंसा भर सकते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर चुके हैं, और यहाँ मेरे विपक्षी साथी कहते हैं कि सोशल मीडिया से हमारी देश की स्वतंत्रता को कोई हानि नहीं है, अरे जो उम्र हमने पबजी फ्री फायर और सब सफर को खेलने में निकाल दी वो उम्र तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई के साहस और पन्ना भाई के त्यागों को जानने की थी, वो उम्र तो हमारी महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और ना जाने कितने भारत माता के नेतों को जानने की। अंदर जाल संचार माध्यम का है विश्व जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है, आओ देखे विज्ञान ज्ञान पर चढ़ी हुई भारतीय सभ्यता कैसे डूबती जाती है। अगर आपको युवा को बरगलाना हो या बहलाना हो तो सोशल मीडिया एक ब्रह्मास्त्र, अब बड़ी ही आसानी से एक युवा को हिंदू और मुस्लिम के बीच भेद कराने में मजबूर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आखिर करती क्या, ये सारी चीजें हमारे देश में अशांति फैलाती है क्योंकि हम तो कहते हैं ना हमारा देश शांति प्रिय है, ये सोशल मीडिया इसी शांति को भंग करता है, ध्वंस करता है और हमारे देश अस्मत पर अस्मिता पर दाग लगाता है। राम जी के देश में ये कैसी आदत आ गई, रामायण को भूल थिएटर की आदत छा गई, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा हमको कुछ नहीं याद है और सैफ करीना से स्थापित करते हम पर याद है, अरे पीपल नीम तुलसी की अब हमको नहीं जरूरत है क्योंकि हमारी सेल्फी तो सबसे खूबसूरत है, भारत माँ के खातिर जो हंसकर सूली पर चढ़ गए उस इंस्टा के चक्कर में हम भगत सिंह को भूल गए, उस ट्विटर के चक्कर में हम भगत सिंह को भूल गए। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया आपके लिए हानिकारक है, हानिकारक है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही जोश के साथ आपने अपने विषय की प्रस्तुति की, बहुत अच्छे। सोशल मीडिया के चकाचौंध से गुमराह हुए नौजवानों को मैं बस यही कहना चाहूंगी, कहां से इब्तदा की मैंने कहां जाना नहीं मालूम, कहां से इब्तदा की मैंने कहां जाना नहीं मालूम, सफर जो तय किया मैंने सफर बाकी नहीं मालूम। तो अब मैं प्रश्नकर्ता 5 से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपना प्रश्न पूछें, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ मैं तैयार हूँ। आप अपना प्रश्न पूछिए।
तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे अपना बचपन गेम्स में ही बिता देते हैं, आपने ये नहीं कहा कि कुछ बच्चे उसी गेम से अपना फ्यूचर भी बना देते हैं? जैसे कि अगर हम किसी गेम को खेलते हैं, जैसे आपने कहा फ्री फायर और पबजी, तो उसकी कुछ टूर्नामेंट्स भी होती है जिससे कि हम अपनी पहचान भी बना सकते हैं, और हम लोग उसकी ही वीडियोस यूट्यूब पर डाल के भी अपनी पहचान बना सकते हैं। जैसे कि अभी जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट गेमिंग चैनल है वो इंडिया का ही है, जो फ्री फायर की वीडियोस डालता है, जिसका नाम शायद से टोटल गेमिंग है। तो वो भी तो है जिसने कि गेम से ही अपना फ्यूचर बनाया है, जिसके अभी 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं शायद से। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके इस मूल्यवान प्रश्न के लिए धन्यवाद महोदय। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद के पास कौन सा स्मार्टफोन था, आईफोन 11 या रेडमी नोट 4? और आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। अगर एक युवा ने भी सोशल मीडिया का नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के युवा उससे बहुत प्रभावित होकर नकारात्मक दिशा ही चुनेंगे? और जनाब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया वह चमक है जो एक दिन चिंगारी बन के टूटेगी और एक सिर्फ एक गलत अफवाह इस पूरी मानवता को लेकर डूबेगी। तो क्या आपके अभी भी यही विचार है कि सोशल मीडिया हमारे लिए सकारात्मक दिशा लेकर आता है? क्या आप भूल गए पोकेमॉन गो और ब्लू व्हेल का वो उपहार जो उसने हमारे युवा को दिया था? कई बच्चों ने आत्महत्या करी थी जनाब, आत्महत्या। धन्यवाद, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा उत्तर, धन्यवाद आप दोनों को। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी 3-5-P-2 जो विपक्ष पर बोलने जा रहे हैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते, हम भविष्य हैं, विश्व का तकनीक से बिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक परचम देश का लहरा रहा है, कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा है। अब दूरियों को दरकिनार कर दो, खामियों को जहन से बाहर कर दो, नई इबादत लिखेंगे ये साफ कर लो, नजर ना सही बस नजरिए में बदलाव कर लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, शेष निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय मित्र, आज मैं वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्धारित विषय में विपक्ष में बोलने जा रही हूँ। महोदय, वैश्वीकरण के युग में जहां संचार क्रांति भारत का चौथा स्तंभ बनकर जनता को जागरूक करने का कुलिकर्म कर रही है, आम आदमी को सूचना प्रदान कर रही है, वहां विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलने से पहले विषय को जान लेना अति आवश्यक है। महोदय, सोशल मीडिया वह सशक्त माध्यम है जिसने आम आदमी को राजनीति से लेकर आबिती तक, सिनेमा से लेकर साहित्य तक और देश से लेकर विदेश तक की विभिन्न खबरों का साझीदार बनाया। और मेरे विपक्षी साथी या तो विषय को समझ नहीं रहे हैं या समझना चाह नहीं रहे। अजी हकीकत तो यह है कि आज हर चीज जानने से पहले ऑनलाइन होना जरूरी है। वह सोशल मीडिया जो आपकी परीक्षा के फॉर्म भरवाती है, वह सोशल मीडिया जो आपको फोन में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराती है, वह सोशल मीडिया जो आपके फोन को कक्षा तक बना देती है। मैं पूछती हूँ अपने विपक्षी साथियों से कि भला वो सोशल मीडिया हमें नकारात्मक दिशा की ओर कैसे ले जा सकती है? महाशय, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी तक, लोकसभा चुनाव से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पद रहने तक, क्रिकेट से लेकर टेनिस तक और दंगल से लेकर बाहुबली तक, हर चीज तकनीक और सोशल मीडिया के माध्यम से होती हुई हम तक आई है और हमें अध्ययन किया है। और मेरे विपक्षी साथी बोल रहे हैं कि आज सोशल मीडिया ने ही आम आदमी को इतना मजबूत बना दिया है कि वह अपनी बात खुल के समाज के सामने रख सकता है। महोदय, आज प्रशासन की लापरवाही, भ्रष्ट अफसरों की लाजपीताशाही, चरित्रहीनों की रगरगिया और डॉक्टरों की लापरवाही को सोशल मीडिया ने खुल के सबके सामने रख दिया है। मत चिरागों को हवा दो, ये बस्तियां जल जाएंगी, माना कि पानी में भी आग लगा सकते हो तुम, मगर इन
मगर मच्छों के साथ ये नन्ही मछलियां जल जाएंगी, ये नन्ही मछलियां जल जाएंगी। वह किसान जिसने आकाश के बादल और खेत की नमी को ताकते ताकते अपनी उम्र बिता दी थी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा दी गई विभिन्न सेवाएं ले रहा है, फिर भविष्य को कौन नकारात्मक दिशा दे रहा है। घूंघट की आड़ में बैठी स्त्री मैं और आप बनकर मंच पर खड़ी है, फिर देश कैसे पिछड़ रहा है। हर तरफ हमारी तरक्की की इबारतें लिखी जा रही है, फिर देश कैसे बिगड़ रहा है। एक तरफ तो हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, वही सोशल मीडिया की उपयोगिता को नजरअंदाज कर देना नितांत गलत है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, समुंदर प्यासे की प्यास नहीं बुझाता, गंदा हुआ तो क्या हुआ, अंत में कीचड़ का पानी ही प्यासे की जान बचाता है। महोदय समाज के कुछ कांटों को निकालने के लिए पूरे पेड़ को ही काट देना नितांत गलत है। अंत में वक्त की नजाकत को नजर में रखते हुए इन्हीं पंक्तियों से विराम करना चाहती हूँ कि दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले कभी बाकी तेल भी संभाल लिया करो, और सूरज की गर्मी को कोसने की बजाय एक छाता सर पर टाल लिया करो। हर चीज में कमियां खोजने वालों कभी खूबियों को तो पहचान लिया करो, कभी खूबियों को तो पहचान लिया करो। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, आपके विचार बहुत अच्छे थे। व्हाट्सएप जूम आदि के द्वारा अब राहें आसान नजर आती हैं, मुश्किल रास्तों से गुजर कर भी मंजिल आसान नजर आती है। तो अब मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वह अपना प्रश्न पूछे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जहाँ कुछ बच्चे अपना अधिकतर समय सोशल मीडिया पर ही बिता देते हैं, जिनकी वजह से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं और वो पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके मूल्यवान प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक दोहे से देना चाहती हूँ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहे पूजा। अर्थात जिस प्रकार चंदन के पेड़ के आसपास अजगर लिपटे रहते हैं परंतु चंदन अपनी खुशबू को नष्ट नहीं होने देता है, उसी प्रकार यदि आपके इरादे नेक और बुलंद होंगे तो जनाब सोशल मीडिया आपके लिए सकारात्मक दिशा ही लेकर आएगा, नकारात्मक नहीं। ऐसे निष्कलंक का क्या फायदा जो सिर्फ चांदनी में ही नजर आए, जनाब उससे बेहतर तो वो खामियों वाला है जो अंधेरे में भी नजर आए, जो अंधेरे में भी नजर आए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत अच्छा उत्तर, धन्यवाद आप दोनों का। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी जो पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। टीम 6P1, क्या आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। किनारों पर लहरें गिरने वाले कहां समंदर का सफर करते हैं, महज गरजने वाले बादल कब धरती को तर करते हैं, और बिना सोचे समझे विचारे विपक्ष में आ गए हैं, बिना तर्क की बहस करके विपक्ष में आ गए हैं, जनाब गजब करते हैं। सम्मानित मंच रविवत प्रकाशमान अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय निर्णायक मंडल, इस सदन की राय में अपनी राय को संलग्न करते हुए मैं निर्विवाद रूप से उद्घोष करना चाहती हूँ, जी हाँ सोशल मीडिया का वर्तमान प्रश्न युवा पीढ़ी के भविष्य को नकारात्मक दिशा दे रहा है। इसलिए युवा पीढ़ी देश की भावी आशा गुजारिश है आपसे, नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे, जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना, देश की अस्मिता पर आज तुम न आने देना। महोदय ये पूर्णता सही नहीं है कि सोशल मीडिया हमारे समाज के लिए खतरा है, परंतु अध्यक्ष महोदय यदि आज के भावी युवा इस कदर सोशल मीडिया से प्रभावित होते रहे तो हमारे देश की संस्कृति रूपी धरोहर कब किस गर्त में गिर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। मेरे विपक्षी मित्र सोशल मीडिया महज नाम से ही सोशल है, असल में तो सारे रिश्ते नातों को अंगूठा दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया के भीतर सुख दुख क्रोध अपमान निराशा का एक बृहद संसार रचा जा रहा है। समय के साथ चलना और बदलाव अवश्य ही बुद्धिमत्ता का परिचारक है, पर इसके विकराल होते जा रहे भ्रमजाल और मोहपाश में जकड़ते जाने के कारण हमारे देश की संस्कृति सभ्यता के मानदंडों पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा एवं नैतिक मूल्यों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
अरे हद तो तब हो जाती है जब एक महिला के साथ दुष्कर्म या किसी अभिनेता या अभिनेत्री के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, जैसे वर्तमान में ही सिद्धार्थ शुक्ला एवं सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह सोशल मीडिया ने उनकी मौत का तमाशा बनाया वह हमने देखा ही और इसे हम नकार नहीं सकते। और तो और लोग मदद करने की बजाय वीडियो बनाते हैं और कुछ लाइक कमेंट के लिए अपलोड करने में लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश की लगभग 90% युवा पीढ़ी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही है, तो आपको लगता है कि हम अपनी युवा को इस कदर बर्बाद होने देंगे? नहीं, अगर हमारे देश की नींव हमारे बुजुर्ग है तो उस पर लगे फल हम युवा पीढ़ी। यदि कोई फल खराब हो जाता है तो बागबान भी उस फल को फेंक देता है। अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे देश की सुरक्षा दांव पर लग गई है, तो आज के युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि कृपया सोशल मीडिया नामक माया जाल से बचे। अध्यक्ष महोदय, ये युवा पीढ़ी आज का सबसे मुख्य बिंदु है। वो युवा जिसे अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वो युवा जिसे वर्तमान की तोड़ देनी थी कुंठा, वो युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी राष्ट्र के भविष्य और समाज की आशाओं को जोड़े रखने की, आज वो सामाजिक पारंपरिक परिवेश में अपने भविष्य को एक ऐसे कल्पना लोक में ले जाने का सीधा एवं सरल रास्ते की खोज में लग गया है जो उसके अस्तित्व को ही नकारात्मक दिशा दे रहा है। वो युवा जिसे अपने नव इतिहास को रस देना था, आज वो 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अंगूठे के घर्षण से इमोजी भेज रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य तो इस बात का होता है कि यही युवा स्वर साम्राज्य की संज्ञा ढिंचैक पूजा को दे रहा है। और तो और आजकल तो कुछ अलग ही सुनने को मिला है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मैं पूछती हूँ कि क्या हम ऐसे ही युवा की कल्पना करते हैं? अंत में वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। व्हाट्सएप बने बेसाम, फेसबुक बने फाहियान, इंस्टाग्राम बने इत्से और तालमी बने टेलीग्राम। नव इतिहास लेखन की इस दौड़ती दुनिया में कलम कॉपी छोड़ो, क्या इन्हीं से है कल्याण? क्या इन्हीं से है कल्याण? धन्यवाद। अति उत्तम विचार आपके, बहुत अच्छे बोला आपने। मैं ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का जग में यू हुआ प्रसार, सोशल मीडिया का जग में यू हुआ प्रसार, हर हर मीडिया घर घर सोशल मीडिया, बोले ये संसार। तो अब मैं अपने प्रश्नकर्ता को बोलना चाहूंगी, प्रश्नकर्ता 6, क्या आप तैयार हैं? आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। तो आपके लिए मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल तो हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में हम सोशल मीडिया का बहुत ही तेज गति से प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वह बैंक से बैंक तक पैसे पहुंचाने की बात हो या विद्यालय की कक्षाएं लगाने की, विद्यालय के शुल्क या आदि शुल्क, तो हम इन सब के लिए सोशल मीडिया पर ही निर्भर हैं। तो आप क्या इसे ऐसा कह सकते हैं कि सोशल मीडिया इन कार्यों में हमारे लिए उपयोगी नहीं है? आपके इसके प्रति क्या विचार है? आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपने मेरे वक्तव्य को ध्यान से नहीं सुना, मैंने यह कहा है कि सोशल मीडिया हमारे समाज के लिए पूर्णतः खतरा नहीं है। और मैं आपके प्रश्न के जवाब में बस एक कथन बोलना चाहूंगी, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपत्ति आती है तो मर्यादा इंसान को लांघनी ही पड़ती, आगे तो आप खुद ही समझदार है। धन्यवाद। धन्यवाद आपके उत्तर के लिए, परंतु जहां तक मुझे लगा आपने थोड़ा मतलब आपके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं थी, तो बाकी आप देख लीजिए आपको अपने उत्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अब मैं प्रतिभागी 2 से अनुरोध करती हूँ, जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है, वो हमारे सामने आए। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यह कहावत तो मैंने पहले कई बार सुनी थी, लेकिन आज इसे चरितार्थ होते हुए भी देख लिया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रोतागण एवं मेरे मंचासीन साथियों, आज मैं अपने शीर्षक के विपक्ष में राय रखने जा रहा हूँ। मेरे विपक्षी मित्रों, आप पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आपने तो अवसरवादिता की सारी हद ही पार कर दी है कि आपको सोशल मीडिया में दुनिया भर की खामियां नजर आ रही है। मत भूलिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब जब कुछ नया हुआ है तब तब उसका विरोध हुआ ही है। मैं तो कहता हूँ छोड़िए इन दकियानुसी बातों को, सोशल मीडिया पर एक कविता सुनाता हूँ। तू प्रखर है, तू प्रबल है, उद्दाम है तेरी लहर, जोड़ती है विश्व को गांव से शहर। एक अंतर जाल से तूने चराचर विश्व छोड़ा, चल पड़ा है यह उस तरफ, रुख तूने जिधर मोड़ा,
रुख तुम्हें जिधर मोड़ो। दोस्तों, हम 21वीं सदी वाली दुनिया से 22वीं सदी वाली दुनिया में कबूतर के सहारे तो जा नहीं सकते और एक जगह रह भी नहीं सकते, तो क्या किया जाए? यह तो स्पष्ट है कि हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, इसका जीता जाता उदाहरण है कोरोना काल, जब सभी स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद हो गए, देश की युवा पीढ़ी रूपी भावी भविष्य अंधकार में दिखने लगा, तब सहारा कौन बना? सोशल मीडिया। और हमारे विपक्षी साथी कहते हैं कि सोशल मीडिया देश की अस्मिता को हानि पहुंचाती है, मुझे तो आश्चर्य होता है। अध्यक्ष महोदय, जरा गौर फरमाइएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात, सहारा कौन बना? सोशल मीडिया। मनोरंजन चाहिए या अपनी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आइए सोशल मीडिया के मंच पर आइए। मेरे विपक्षी मित्रों, अगर आपको याद हो तो रानू मंडल को याद कीजिए, किस तरह सोशल मीडिया ने उन्हें रातों रात कहां से कहां पहुंचा दिया। और ध्यान दीजिए तालिबान की उस घटना को कि किस कदर सोशल मीडिया ने हमें गुमराह होने से बचा लिया था। ध्यान दीजिए वर्क फ्रॉम होम, यदि सोशल मीडिया का सहारा ना होता तो ना जाने हमारे देश की आर्थिक स्थिति रूपी अस्मिता कहां होती, और आपको सोशल मीडिया में सिर्फ नकारात्मकता ही दिखाई देती है। जनाब, किसी ने ठीक ही कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि सोशल मीडिया अलादीन का चिराग है, चिराग एक क्लिक करिए सब कुछ हाजिर है। माँ अपने बेटे का चेहरा देख बात करना चाहती है तो देर कैसी, क्लिक करिए। दुनिया की किताबों को पढ़ने का शौक रखने वालों को अब जगह जगह नहीं घूमना पड़ता, क्यों? सोशल मीडिया है ना। और हमारे विपक्षी साथी कहते हैं कि युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ झुकाव से देश की अस्मिता को खतरा है। एक कहावत है, मन मन भावे मूड हिलावे, ठीक यही हाल हमारे विपक्षी मित्रों का है, क्योंकि वह जानते हैं और मानते हैं कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है विचारों के आदान प्रदान का। अध्यक्ष महोदय, इनका ना ना कहना मन नहीं विवशता है, लाचारी है। घूंघट में बैठी स्त्री आज मैं और आप बनकर इस मंच पर खड़ी है, फिर भला कौन पिछड़ रहा है? हर तरफ हमारी तरक्की की इबारत लिखी जा रही है, फिर देश कैसे बिगड़ रहा है? एक तरफ तो हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की और दूसरी ओर सोशल मीडिया की उपयोगिता को नजरअंदाज करना नितांत गलत है। महोदय, मैं मानता हूं कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अलगाव फैलाने से लेकर युवाओं को बहकाने तक का काम कर रहे हैं, लेकिन महोदय, समाज के कुछ कांटों को निकालने के लिए पूरे पेड़ को काट देना भला कैसे उचित है? मेरे विपक्षी साथी जो भविष्य को लेकर आज चिंतित हैं, तो मैं आज इस मंच पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर हमारे इरादे नेक और बुलंद होंगे तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक सकारात्मक दिशा ही लेकर आएगा। अंत में वक्त की नजाकत को देखते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है, दिल व्हाट्सएप हुआ जा रहा है, समाज से कट कर भी इंसान सोशल हुआ जा रहा है, सोशल हुआ जा रहा है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार थे आपके। अब मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना प्रश्न पूछे। जी, तो आपके लिए मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हम सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसे स्थल या हम यूं कह सकते हैं कि साइट्स पाई जाती हैं, उनमें वायरस भी पाया जाता है और वायरस के कारण हमारी निजी जानकारी चोरी की जा सकती है, तो आपके आपके इसके प्रति क्या विचार हैं? क्या यह युवा पीढ़ी के लिए उचित है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसी सोशल मीडिया के माध्यम पे ही हमें हर चीज मिल सकती है। उसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें उसका उपयोग करना, कैसे करना है उसका उपयोग, इसके बारे में बताया जाता है। और उसी सोशल मीडिया के मंच पर हमें क्या गलत है और क्या सही है ये भी बताया जाता है। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अपने उत्तर को स्पष्ट करने की तो बहुत ही अच्छे से कोशिश की, परंतु फिर भी आपका उत्तर उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और आपने भी पूरा प्रयास किया उत्तर देने का। अब मैं अगले प्रतिभागी 37P1 से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचारों को हमारे सामने रखें। क्या आप तैयार हैं? जी। आपका समय शुरू होता है अब। राम जी के देश में ये कैसी आफत आ गई, रामायण को भूलकर वेब सीरीज छा गई, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा हमको कुछ ना याद है, शाहरुख सलमान कैटरीना की करते हम फरियाद है,
पीपल नीम तुलसी की अब हमको नहीं जरूरत है, पीपल नीम तुलसी की अब हमको नहीं जरूरत है, बस स्मार्टफोन से खींची एक सेल्फी ही खूबसूरत है। नमस्कार, आज मैं सातवें समूह की प्रतिभागी एक आज के वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया के प्रति आकर्षण के पक्ष में अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। महोदय, आज जागती आंखों से मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें भगवान राम और रावण फेसबुक के कमेंट बॉक्स में घमासान युद्ध कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यूट्यूब पर गीता का उपदेश दे रहे हैं। सुनने में मजाक लगता है ना, किसी ने सच ही कहा है, सोशल मीडिया की यही परिभाषा है, सोशल मीडिया की यही परिभाषा है, सोशल मीडिया मदारी और युवा तमाशा है। महोदय, हमारे आजकल के युवाओं को लगता है कि वो अपने अंगूठे व उंगली से सोशल मीडिया को नचा रहे हैं, परंतु यह केवल एक भ्रम है, एक छलावा है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सोशल मीडिया उन्हें अपने इशारों पर नचाकर देश व समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। युवाओं का वह वर्ग जो देश की एकता, जो देश की अखंडता, जो देश की राष्ट्रीयता की भावना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो मानव अधिकारों की परवाह किए बिना नागरिक कर्तव्यों से विमुख होकर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश में जुटा है, उस वर्ग के युवाओं के लिए सोशल मीडिया एक सरल और अनुकूल साधन है जिसके द्वारा वे अपने असामाजिक व बुरे मंसूबों को पूरा कर सकें। महोदय, आज इस मंच के जरिए मैं अपने प्रतिद्वंदी मित्रों को बता दूं कि वर्तमान में हो रही आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के प्रसार के संदर्भ में देखें तो दृष्टिगोचर होता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हें परोक्ष रूप से लाभान्वित कर रहा है। आतंकियों के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाकर राष्ट्र की एकता व अखंडता को तोड़ने का वैकल्पिक स्रोत बन गया है। मैं पूछती हूँ अपने विपक्षी से, क्या यही वह सकारात्मकता है, क्या यही वह पवित्रता है, क्या यही वह अच्छाई है जो मेरा विपक्षी वक्ता सोशल मीडिया में देख रहा है? महोदय, सोशल मीडिया की यही परिभाषा है, सोशल मीडिया की यही परिभाषा है, सोशल मीडिया मदारी और युवा तमाशा है। पहले तराशा कान से उसने मेरा वजूद, फिर शहर भर के हाथ में पत्थर थमा दिए। वास्तव में सोशल मीडिया भी यही कर रहा है, वह युवाओं को हथियार बनाकर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। महोदय, कुल मिलाकर देखा जाए तो सोशल मीडिया हमारी युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर स्वतंत्र देश की अस्मिता को ठेस पहुंचा रहा है। यदि आज हमने इसका लगाम न कसी तो इस आभासी जाल से हमारी युवा पीढ़ी को कोई नहीं छुड़ा पाएगा। अपनी वाणी को मैं इन पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से हमें युवाओं को बचाना है, मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त, हमें स्वस्थ युवा समाज बनाना है, हमें स्वस्थ युवा समाज बनाना है। धन्यवाद। बहुत ही सराहनीय विचार थे आपके। डूब जाते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। अरे पहले तो संभल कर चल नहीं सकते, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो अब मैं अपने प्रश्नकर्ता से प्रश्न पूछने का अनुरोध करती हूँ। क्या आप तैयार हैं? यस मैम, मैं तैयार हूँ। आप अपना प्रश्न शुरू कर सकता हूँ? जी। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांगा है मैंने समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार मेरे आदरणीय शिक्षकों, प्यारे मित्रों और तेजस्वी निर्णायक मंडल, आज मैं यहाँ पर अवरोधक के रूप में उपस्थित हूँ, तो वाद विवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने प्रश्न को पेश करता हूँ। मेरे मित्र, मैं आपको स्थिति प्रश्न देना पसंद करूंगा। स्थिति को जिस प्रकार की अब विदेश गए, वहां के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त किया, पर दाखिले के लिए कुछ दस्तावेज चाहिए थे जो राम न चाहे अब भारत ही भूला है। तो मेरे मित्र, क्या आप 2 साल तक बिना दाखिले के वहीं रहते? तब आप नहीं सोचते काश कोई ऐसा माध्यम होता जिससे मैं अपने दस्तावेज भारत से विदेश तक प्राप्त कर पाता? तो क्या आज आप उन विदेशी छात्रों की टांग काट रहे हैं जो अपने परिजनों से भी इस माध्यम की मदद से बात करते हैं? मेरे प्रश्न को सुनने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका
लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न को सुनकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गईं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, सब कुछ सोशल मीडिया ले जाएगा ना प्रसन्न बचेगा कोए। सबसे पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर देने हेतु मैं आपको एक सर्वेक्षण के आंकड़े से परिचित करवा दूं कि हमारे भारत में 40% युवाओं की बेरोजगारी का कारण यही सोशल मीडिया है। और जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा, आपने उसमें यह कहा कि हम 2 साल तक विदेश में रहे, तो आपको बता दूं कि हम विमान के जरिए बहुत ही कुछ क्षणों में हम अपने देश में वापस आकर अपने वो दस्तावेज लेकर अपने जहाँ पर हमें दाखिला चाहिए वहां पर हम वापस जा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विमान कोई सोशल मीडिया नहीं है, वह ज्ञान का भंडार है, जिसके वह एक साधन है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकें। और दूसरी बात यह रही कि एक जोश टाउन जर्नल के अनुसार हमारे देश के 40% युवाओं नशे की तरफ आकर्षित इसी सोशल मीडिया के कारण होते हैं। और एक सकारात्मक बिंदु को देखते हुए हम इन सब तथ्यों से तो मुंह नहीं फेर सकते ना, हम इस तथ्य से मुंह नहीं फेर सकते कि हमारे भारत में 40% युवा सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण आभासी शिक्षा के दौरान सही शिक्षा ग्रहण करने की जगह 4x4 की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगूठे के घर्षण से ऑनलाइन हृदयों को भावनाओं की इमोजी भेज रहे हैं। आशा करती हूँ कि मेरे पक्ष को सुनने के बाद आपको आशाजनक संतुष्टि प्राप्त हो ही गई होगी। मेरे मित्र, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। आपके विचार मुझे परिपूर्ण नहीं लगे। मैं आपके उत्तर से कतई भी सहमत नहीं होऊंगा। धन्यवाद। बहुत खूब। अब मैं प्रतिभागी 2, 37T2 से अनुरोध करती हूँ कि वो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करें। मैम, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैम मैं शुरू करूँ? आपका समय शुरू होता है अब। सोशल मीडिया की क्रांति ने न सिर्फ दुनिया को बदला है बल्कि यह लोगों की सोच में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। और इससे दुनिया को यह भी पता चला है कि कैसे इंटरनेट 21वीं सदी का ईंधन बन सकता है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को स्वतंत्र कर सकता है। नमस्कार माननीय निर्णायक गण एवं सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, मैं समूह 7 की प्रतिभागी 2, प्रदत्त विषय स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण के विपक्ष में अपने तर्क रखने जा रही हूं। डैनियल गोलमैन ने कहा है कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन एक साथ पूरे ब्रह्मांड का विस्तार करते हैं। सोशल मीडिया पूरी दुनिया को एक साथ एक मंच पर लेकर आया है और इसके माध्यम से संचार की सुविधा सरल हो गई है। सोशल मीडिया ने संचार के स्वरूप को ही बदल दिया है, अर्थात विश्व में संचार को नया आयाम दिया है। एक साक्षात्कार में अरिजीत सिंह ने कहा, पहले मैं अपना जीवन शांत और शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करता था, लेकिन सोशल मीडिया के उदय ने मुझे निश्चित रूप से प्रभावित किया है। अब मुझे हमेशा नोटिस किया जाता है और यह कथन सुनकर साफ जाहिर हो जाता है कि सोशल मीडिया समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। मैं इस मंच के माध्यम से मेरे प्रतिद्वंदी मित्र को यह बता दूं कि जॉन रॉन्सन ने भी कहा है कि सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह बेजुबान लोगों की आवाज बनी है। शायद मेरे प्रतिद्वंदी मित्र को यह नहीं पता, जब 2011 में अरब स्प्रिंग यानी क्रांति आई थी, तब वहां के लोगों ने यह महसूस किया कि मेनस्ट्रीम मीडिया राजशाही और सैन्य शासन की वजह से उनके मुद्दों को नहीं उठा रहा है, तो लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और देश में बदलाव लाया। इंडोनेशिया एवं इजिप्ट जैसे देशों में भी कई हजार वर्षों बाद चुनाव हुए और इसका मूल बना सोशल मीडिया। पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने भी इसी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया। महिलाओं के यौन अपराधों के खिलाफ #MeToo अभियान इसी प्रकार शुरू किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया की ही बदौलत निर्भया हत्याकांड के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार सख्त कानून बनाने के लिए विवश हो गई। महोदय, शायद मेरे प्रतिद्वंदी मित्र को यह भी नहीं पता, इस कोरोना के दौर में स्कूल कॉलेज बंद हैं और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई
समूह बनाकर करवाई जा रही है। यहाँ तक कि ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। आप आज की प्रतियोगिता का ही उदाहरण ले लीजिए। एक शोध के अनुसार 35% लोगों को जानकारियां प्राप्त हुई हैं, 23% लोगों को ज्ञान का भंडार और 53% लोग अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर पा रहे हैं इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे कमाने का भी नया साधन बन चुका है सोशल मीडिया, और इसके साथ यह हमारे देश के पर्यटक स्थलों को बढ़ावा दे रहा है। मेरे प्रिय प्रतिद्वंदी मित्र, जरा ध्यान से सुनना। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सोशल मीडिया सामाजिक बाधाओं को कम कर रहा है। यह लोगों को मानवीय मूल्यों की मजबूती के आधार पर जोड़ता है, पहचान के आधार पर नहीं। इसलिए सोशल मीडिया आया है, समाज में जागरूकता लाया है। सोशल मीडिया से जुड़ते चलो, समाज में जागरूक बनते चलो। धन्यवाद। सच ही कहा है, कुछ रिश्तों में बढ़ गई हैं दूरियां और कुछ में बढ़ी हैं नजदीकियां। कैसे तोले फायदा और नुकसान इस तकनीकी युग का, एक माँ की भावनाओं से भी निकाली जा रही है बारीकी। आपने बहुत ही उत्तम विचार अपने स्पष्ट किए। अब मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने प्रश्न पूछे। बोलिए बेटा। हर जुबा पे एक दिन होगा नाम तेरा, हर कदम पे तेरे दुनिया करेगी ये सलाम। हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, देखना इस समय भी तेरा गुलाम होगा, इस समय भी तेरा गुलाम होगा। मेरे मित्र, आज मैं आपको स्वर्णिम सच्चाई की राह पर ले चलूंगा। कुछ समय पुरानी बात है, दो मित्र थे, रोहन और सोहन। दोनों की मित्रता शोले फिल्म के जया वीरू के जैसी थी। दोनों साथ में खेलते, कूदते, दौड़ते, मजे से रहते। परंतु इस सामाजिक जोड़ ने उन्हें डिजिटल तकनीकों से ऐसे जोड़ा कि अब तो हालचाल भी व्हाट्सएप पे होने लगे, हालचाल भी व्हाट्सएप पे होने लगे। एक मित्र कार दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ तो दूसरे मित्र ने कंधा भी ऑनलाइन ही दिया। जी हाँ, अंतिम यात्रा में कंधा भी ऑनलाइन ही दिया। तो मेरे मित्र, आपके सामाजिक जोड़ ने, जी नहीं सामाजिक तोड़ ने, हमारे समाज रिश्तों को ऐसे तोड़ा है जैसे कुछ कांच के टुकड़े हो। मेरे प्रश्न को सुनने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको यह कहना चाहूंगी कि इन्हीं सोशल मीडिया के चीजों से, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनकी उपयोग से ही हम अपने दूर के रिश्तेदारों से जुड़ते हैं। और रही बात नजदीकी रिश्तेदारों से, तो इस सोशल मीडिया ने हमें एक मौका तो दे दिया है कि अपने रिश्तेदारों की जान पहचान पूछ लें, उनके हाल चाल को पूछकर उनका आदर सत्कार कर दें। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ऐसे कई अन्य सोशल मीडिया की चीजों ने हम लोगों को आपस में दूर कर दिया है। शायद यह आपके दिमाग में ख्याली पुलाव बन रहे थे कि वह उसने अपने दोस्त के अंतिम अर्थी को भी ऑनलाइन दिया। यह तो सरासर ना इंसाफी होगी यह बोलने पर कि सोशल मीडिया हमें आपस में दूर कर रहा है, बल्कि यह तो हमें आपस में जोड़ रहा है, हमारे विदेशी रिश्तेदारों से जोड़ रहा है, हमारे पास के रिश्तेदारों से जोड़ रहा है, और हमें उनसे एक और बार उनका हाल चाल पूछने का मौका दे रहा है। शायद मैं या तो आप, हमने तो यह देखा ही होगा कि हम लोग आज की इस प्रतियोगिता को भी इसी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ तक यही हम अनजान लोगों से जुड़कर अपने विचारों को आदान प्रदान कर रही हैं। तो हम यह कैसे कह दें कि सोशल मीडिया हमें दूर कर रहा है? यह तो हमें और नजदीक लाया है, और पास और करीब लाया है। और अगर आप अभी भी इन बात से असहमत होंगे तो मैं यह कह दूं कि सोशल मीडिया का यूज, सोशल मीडिया का उपयोग करना, यह हमारे विवेक पर है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं इसे कैसे उपयोग ले लूं, इसका कैसे सदुपयोग करूं। अगर खुद को तैरना नहीं आता, चले समुद्र में तैरने, डूबने के बाद कहते हैं कि गलती समुद्र की थी, बंदूक चलाई खुद ने और कहते हैं गलती बंदूक की थी, तो यह कैसा इंसाफ हुआ? सोशल मीडिया मनुष्य के हित के लिए ही बना है। आशा करती हूँ मेरे उत्तर से आपको संतुष्टि प्रदान हो गई हो। धन्यवाद। मैं आपके उत्तर से सहमत नहीं हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सराहनीय आपका प्रश्न था और बहुत ही प्रशंसनीय आपका उत्तर भी था। हमारी आज की बाल विवाद प्रतियोगिता बहुत ही रुचिकर होती जा रही है, तो इसी के साथ पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तैयार हैं?
क्या आप तैयार हैं? जी। आपका समय शुरू होता है अब। बच्चे आपका समय शुरू हो गया है, बोलिए। हीरे को खतरा चोरों से नहीं पहरेदारों से है। हीरे को खतरा चोरों से नहीं पहरेदारों से है। और देश को खतरा घुसपैठियों से नहीं रखवालों से है। रखवालों से। सुप्रभात आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक बल, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आज मैं टीम 8 के प्रतिभागी एक आप सभी के समक्ष इस वाद-विवाद प्रतियोगिता के विषय स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम सब इस बात से अवगत हैं कि लोकतंत्र के चार स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं मीडिया व पत्रकारिता। समाज को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु ये स्तंभ बनाए गए हैं, परंतु क्या आज की युवा पीढ़ी इन नियमों, इन मूल्यों का पालन पूर्ण रूप से कर रही है? ये प्रश्न बार बार मेरे मस्तिष्क में उभरता। माननीय महोदय, जिस देश में सोशल मीडिया को महज गीता और कुरान की तरह समझा जाता हो और हर दिन विचारे विश्वास कर लिया जाता हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ उस देश में भ्रष्टाचार होने से कोई नहीं रोक सकता। उस देश में भ्रष्टाचार होने से कोई नहीं रोक सकता। माननीय महोदय, आज भी आपको याद होगी असम की गुवाहाटी की वह लज्जास्पद घटना, किस प्रकार सोशल मीडिया ने उस लड़की के समाचार को बड़ा चढ़ाकर बताया था। अध्यक्ष महोदय, याद कीजिए वह घटना जब एक कार्यकर्ता को मारकर उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया, ताकि पूरे शहर में सनसनी फैलाकर वह अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा। सोशल मीडिया में गुल होकर संसार कर रहा है अपनी जीवन शैली का प्रचार माननीय महोदय, याद कीजिए वह ब्लूबेल चैलेंज जिसके कारण कई युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। उसी प्रकार याद कीजिए वह टिकटॉक चैलेंज जिस पर केवल एक वीडियो बनाने के लिए कई युवाओं ने चोट खाई। युवा पीढ़ी को उसका लक्ष्य भुलाकर कभी मनोरंजन तो कभी अश्लील चित्र दिखाकर उनके भविष्य पर कर रहे हैं प्रहार। ये है माननीय महोदय मीडिया का किरदार। पैसा दो, समाचार बनाओ, चुनाव जीतने हेतु भड़काऊ भाषणों का प्रसारण, क्या ये लोकतंत्र के मूल्यों को हमें? आज के युवाओं में थकान, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, दंगे फसाद, साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहे? जी, उत्तर केवल एक, सोशल मीडिया की भूमिका। माननीय महोदय, जब तक हमारे जीवन में सोशल मीडिया का आगमन नहीं हुआ था, तब तक युवा पीढ़ी सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करती थी, परंतु आजकल युवा पीढ़ी ये देखती है कि पिछले दिन किए गए पोस्ट पर कितने लाइक और कितने कमेंट आ रहे हैं। आह, धज्जियां उड़ा दी है हमारी संस्कृति की इस सोशल मीडिया ने। बस लगा दो विराम, मत करो अपनी उम्मीदें खराब। हर युवा को पाना है अपना मुकाम, होना जाए सोशल मीडिया में ही कहीं शाम चुका। लगा दो विराम। धन्यवाद। अब मैं प्रश्नकर्ता 8 से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना प्रश्न पूछें। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक छोटी से छोटी घरेलू हिंसा से लेकर एक बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है 60 शब्दों में लिखा गया एक ट्वीट जो जनमत तैयार करके पीड़ितों को न्याय दिलाता है, यह सब संभव हो पाया मीडिया के कारण। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी का देश की अस्मिता के लिए खतरा है? जी, सबसे पहले तो अवरोधक महोदय, मैं आपको प्रश्न के लिए धन्यवाद करूं। इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी कि बूढ़ी हो गई नन्ही आंखें, सोशल मीडिया ने फैलाई है पांखें। कभी साइबर अपराध, कभी दंगे फसाद,
कभी मजहब के नाम पर है बंटाता, यही तो है सोशल मीडिया कहलाता, यही तो है सोशल मीडिया कहलाता। अवरोधक महोदया, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलू को देखें, क्योंकि सकारात्मक पहलू से ज्यादा इसके नकारात्मक पहलू, किस प्रकार मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि हमारी संस्कृति का हनन कर रहा है, हमारे नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है, हमारे लोकतंत्र को किस प्रकार सोशल मीडिया से हानि है। तो मैं कैसे कहूँ कि सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव है, मैं कैसे मान लूं कि सोशल मीडिया सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे। अब मैं टीम 8P2 से अनुरोध करना चाहूंगी कि वह मंच पे आ जाइए। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं तैयार। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे रोब डाला जा रहा है, जिसके बिना होती नहीं उनकी गुड मॉर्निंग, आज उसी के तुरंत बोला जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायकगण व सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। आज मैं टीम 8 से प्रतिभागी 2 आप सबके समक्ष दिए गए विषय स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे देश का गौरव उसकी युवा पीढ़ी है। कहते हैं ना कि आज का युवा कल का नेता, परंतु प्रश्न ये है कि क्या युवा पीढ़ी के सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण से देश की अस्मिता को खतरा है? ऐसा नहीं। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़कर रखता है। हमारे युवा हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा में रहते हैं, उनके अंदर नए रचनात्मक विचारों का संचार होता है। विचार कहीं भी एक दूसरे से एकजुट होकर रह सकते हैं। युवाओं के लिए कौशल से अवगत कराता, युवाओं को एक मंच भी प्रदान करवाता, घर से दूर परिवार की दूरी हटाता, नई चीजों का अन्वेषण करने का साधन यह। सोशल मीडिया हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार को प्रोत्साहन देता है। आज सोशल मीडिया ज्ञान का भंडार बन चुका है, जिससे कि हम ज्ञान ले भी सकते हैं और दूसरों को प्रदान भी कर सकते हैं। हमारे युवा इससे कई नए कौशल सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। सामाजिक जागरूकता का संचार व विस्तार करने में आज सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज इसी के द्वारा हम देश के हर छोटे या बड़े मुद्दे से अवगत रह सकते हैं और तो और अपनी आवाज बुलंद कर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे देश विरोधी नारे पहले भी लगते थे, देश तोड़ने की बातें भी होती थी, लेकिन सोशल मीडिया ने सामने लाया है। सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाकर जब नेताओं ने कमाल मचाया हुआ, तब युवाओं ने सोशल मीडिया पर आकर देश में कमाल मचाया हुआ। जबकि देश विरोधी तत्वों ने देश विरुद्ध अपनी आवाज बढ़ाई है, तब युवाओं ने सोशल मीडिया के प्रयोग से उनको आवाज दिखाई है। सोशल मीडिया हमारे युवाओं के लिए अपनी अभिव्यक्ति का एक साधन, वह इसके द्वारा कई पीड़ित व जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पुकार लगा सकते और तो और अनेकों सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में अपना सहयोग भी दे सकते। और मेरे विपक्षी मित्रों, व्हाट्सएप पे सुप्रभात से दिन की शुरुआत हो जाए, इंस्टा ट्विटर चलाए बिना आनंद ना आए, ये तो ऐसा ही है कि मन को भाए पर मुख पे ना आए। और मेरे सभी विपक्षी मित्रों, व्हाट्सएप पे भेजे गए लिंक से जुड़कर प्रतियोगिता में भाग लेने आए, लेकिन थोड़ी ही देर में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और तो विचार बदल गए। पुराने सिक्कों को नए जमाने में चलाने का प्रचलन आधुनिक युग में नहीं है। हमारा हर कदम उन्नति व प्रगति की ओर होना चाहिए और इसी उन्नति और प्रगति के लिए आज सोशल मीडिया एक मंच बन चुका है, जिससे कि कई छुपे रुस्तम ऐसे हैं जिनका हुनर उभर कर सामने आ सकता। सोशल मीडिया कोई भेदभाव नहीं देखता, ये गरीब या अमीर किसी को भी प्रदान हो सकता है। यही नहीं, आज सोशल मीडिया रोजगार प्रबंधक का भी एक अहम साधन बनता जा रहा है। और अंत में मैं बस यही कहूंगी कि ज्ञान का आदान प्रदान, जिससे बाकी सभी बनेंगे विद्वान, फिर होगा राष्ट्र निर्माण, बनेगा भारत देश महान। इस बात पे तो ध्यान, समस्याओं का निकलेगा समाधान। और अब समाप्त करते हुए अपने तर्क के भान,
करते हुए आप सबको प्रणाम, मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद, जय हिंद। आपके विचार बहुत अच्छे थे, आपकी कड़ी मेहनत को देखकर मैं आपका मनोबल, आप सब विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है, सितारों के आगे एक जहां और भी है। तो इसी के साथ मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना प्रश्न पूछे। मैंने आपका भाषण ध्यान से सुना, आप इतनी देर से सोशल मीडिया की खूबियां बता रही थी, मगर सोशल मीडिया का एक सबसे दुखद पहलू यह है कि इसमें भावनाओं, संवेदनाओं और संस्कारों का सर्वथा अभाव है। यह एक बहुत बड़ी वजह है जिससे युवा पीढ़ी सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होकर देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती है। इस बारे में आपके क्या विचार है? जी अवरोधक महोदय, सबसे पहले तो प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपका प्रश्न सच में बहुत ही उम्दा है और इसका उत्तर देने के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि उनकी भावना और इसको कहां तक दुख पहुंचता है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया तो आज एक माध्यम बना है जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी और अनेकों ऐसे लोग हैं जो कि खुलकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर प्रकट कर सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया के द्वारा वह जो बात सबके सामने समाज में नहीं कह सकते थे, सोशल मीडिया ने कोई ऐसा मंच प्रदान किया है जिससे कि वह बिना किसी टीचर के खुलकर अपने विचार और अपने जज्बातों को प्रकट कर सकते हैं, दुनिया के सामने ला सकते हैं और कई ऐसे भड़काऊ कथन के विरोध में अपनी आवाज तक उठा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सराहनीय प्रश्न था आपका और आपने उत्तर भी उतने ही जोश से दिया। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को मंच पे बुलाना चाहूंगा जो पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, टीम 9P1। क्या आप तैयार हैं? टीम 9P1। यस मैम। क्या आप तैयार हैं? यस मैम। आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं सभी गुरुजनों एवं निर्णायक मंडल को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने आज के वाद-विवाद शीर्षक के पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका विषय है स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण। राम जी के देश में एक ऐसी आफत आ गई, राम जी के देश में एक कैसी आफत आ गई, कैसी आफत आ गई, रामायण के को भूल गए और थिएटर की आदत छा गई, रामायण को भूल गए और थिएटर की आदत छा गई। भारत माँ के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए, आज हम गूगल जी के चक्कर में चाणक्य जी को भूल गए, आज हम गूगल जी के चक्कर में चाणक्य जी को भूल गए। इन पंक्तियों से मैं अपने वाद विवाद का प्रारंभ करती हूँ। आजकल युवा पीढ़ी व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर ही अपने कुछ चंद शब्दों में यह समझती है, अपने मन की भड़ास निकाल कर यह समझती है कि उसने अपना दायित्व पूरा कर दिया। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा ही होता उस समय युवा पीढ़ी आमने सामने संवाद करने से भी बहुत डरने लगी है कि अब वह फेस टू फेस संवाद करने से भी कतराने लगी है। वो अकाल्पनिक युग में इतना अंदर घुस गई है कि वो हर चीज के लिए बहुत बहुत कतराने लगी है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि युवा पीढ़ी की इतनी तेजी से सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हुई है और तेजी से प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया केवल नाम का शोषण है, इसके जान में फंसकर युवा अपने सुख
दुख आशा निराशा सभी इसी काल्पनिक संसार में व्यक्त कर रही है और इसी को अपना वास्तविक संसार समझ रही है। वर्तमान में युवा पीढ़ी सोशल मीडिया का उपयोग भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करने में बड़ी तेजी से हो रहा है जिससे समाज में तनाव पैदा हो सकता है। फोटो और वीडियो की एडिटिंग करके भ्रम फैलाया जाता है जिससे कभी कभी दंगे जैसी स्थिति भी उत्पन्न। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली सूचनाएं किस हद तक एक आम इंसान को प्रभावित करती है इसका उदाहरण हम लगभग रोज ही देखते हैं। हाल ही में घटित बंगलुरु हिंसक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आजकल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम भी सोशल मीडिया ही कर रही है तथा आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी सोशल मीडिया का ही उपयोग हो रहा है। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद भारत सरकार द्वारा स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया जिससे समाज में सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर नियंत्रण लग सके। इसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी तरह की गलत अफवाहों का प्रचार रुक गया और किसी भी तरह की हिंसक गतिविधियां नहीं हुई। अतः सोशल मीडिया पर समाज एवं सरकार की गहन दृष्टि आवश्यक है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। अब मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि उसूलों पर जहां आ जाए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल सच कहा आपने। सोच दिशा ही ना हो और हो अच्छी सोच दिशा ही ना हो और हो अच्छी तो तकनीक का ना हो कभी नुकसान हो अगर सोच दिशाहीन तो तकनीक के फल का भी हो नुकसान। तो अब मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने प्रश्न को पूछे। क्या आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। आप अपना प्रश्न पूछें। प्रिय मित्र आपने बहुत ही अच्छा बोला किंतु मेरा एक प्रश्न है। लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स रोजगार का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी हैं और ऐसी वेबसाइट्स का प्रयोग कर 89% लोगों को नए स्थानों में भर्ती होने का मौका भी मिला है। उन्हें नई नौकरियां मिली हैं। इस कारणवश हमारे राष्ट्र में बेरोजगारी घटी है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है अपनी बातों का और विरासतों का मतलब बताने का, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे कि वो अभिशाप भी बन सकता है। हम इतने अच्छे वरदान को क्यों अभिशाप बनाएं? इसलिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि इसका दुरुपयोग प्लीज ना कीजिए। और आप अगर बात कर रही हैं कि इससे बहुत लोगों की नौकरियां वगैरह भी मिली हैं तो इस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उत्तर देने के लिए धन्यवाद, किंतु मैं आपके उत्तर से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अति उत्तम प्रश्न और पूरा प्रयास भी किया गया उत्तर देने का। अब मैं प्रतिभागी तो जो विपक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा है उसे इस आभासी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद माँ। क्या आप तैयार हैं? कश्ती है पुरानी। यस मैम। एक मिनट बेटा। कश्ती है पुरानी। हाँ आपका समय शुरू होता है अब, बोलिए। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया। मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शक्ल बदली ना बदला मेरा किरदार। पर लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। सुप्रभात आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित सदन। सोशल मीडिया स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाता है। युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरह पड़ रहा है। मुझे खेद है कि मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। मैं
बेटा आप दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या आपने अपना कैमरा ऑन रखा है? यस मैम। आप दिखाई नहीं दे रहे बेटा, आपको फिर से बोलना होगा, अपना कैमरा ऑन कीजिए, आप दिखाई नहीं दे रहे। ये ओके मैम। प्रतिभारी अध्यापक अध्यापिका कृपया बच्चों का मार्गदर्शन करें। हमें स्क्रीन पर बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। टीम 9 टी 2 क्या आप तैयार हैं? टीम 9 टी 2 क्या आप तैयार हैं? जी मैम। परंतु बेटा आप दिखाई नहीं दे रहे हो। दो मिनट मैम। कोई बात नहीं, मेरा निवेदन है कृपया हमें दो मिनट का समय दीजिए, कोई बात तकनीकी खराबी के कारण। जी शुक्रिया मैम, धन्यवाद। आने वाली तकनीक के जितने ही फायदे हैं उससे कहीं अधिक है नुकसान, ये तो अपनी अपनी समझदारी है कि कैसे करें हम जीवन में इसका इस्तेमाल। टीम 9 टी 2 क्या आप तैयार हैं? मैम रेडी। धन्यवाद बेटा। यस मैम तैयार हैं। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो दरिया बदल गया। ना शक्ल बदली ना बदला मेरा किरदार, ना शक्ल बदली ना बदला मेरा किरदार, पर लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। सुप्रभात माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सम्मानित सदन। स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण के विपक्ष में अगर हम विचार करें तो हमारे समक्ष तीन बिंदु आते हैं। प्रथम यह कि सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया युवाओं के लिए है या नहीं, और सोशल मीडिया से हमारी देश की अस्मिता को खतरा है या नहीं। तो मान्यवर टेक्नोलॉजी के इस युग में सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है, साथ ही ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का प्रयोग करता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान तथा शैक्षिक वातावरण की बहुआयामी करना है। अब प्रश्न उठता है कि सोशल मीडिया से हमारे देश के युवाओं का आकर्षण सकारात्मक है या नहीं। तो मान्यवर मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के कारण ही युवाओं में नवीनता का संचार होता है, साथ ही विश्व भर की टेक्नोलॉजी का उन्हें नवीनता का नवीनीकरण होता है। अब प्रश्न जैसा कि हमने देखा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सोशल मीडिया ने इसे जन आंदोलन बना दिया, चुनावों में वोटिंग प्रतिशत के बढ़ने का कारण भी सोशल मीडिया ही रहा, और निर्भया को न्याय दिलाने में भी सोशल मीडिया की प्रभावी भूमिका रही है। इस देश में नारी की अस्मिता पर जब जब खतरा उठा है तब तब सोशल मीडिया ने उस कलंक को हटाने के लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता के देव श्लोक को आसपास में फैलाया है। अब प्रश्न उठता है कि जो सोशल मीडिया शैक्षिक वातावरण को बहुआयामी बनाना है, जो सोशल मीडिया हमारे विचारों के आदान प्रदान का जरिया है, जो सोशल मीडिया एक प्रधानमंत्री का उसकी प्रजा से अंडरस्टैंड करना है, तो उस सोशल मीडिया से किसी भी देश की अस्मिता को खतरा कैसे हो सकता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे 130 करोड़ देशवासियों, तो उनका तात्पर्य 130 करोड़ विचारधाराओं से होता है, और उन 130 करोड़ विचारधाराओं को सच में बदलने की ताकत रखता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वह है जो युवाओं के आकर्षण का केंद्र इसलिए ही बना है क्योंकि उसकी जो अच्छाइयां हैं वो पूरी युवाओं को दिखी हैं। साथ ही युवा सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होते हैं तो वह अच्छे कामों के लिए होते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तलवार जब भगवान श्री राम के हाथ में होती है तो वह सृजन करती है, और जब वह रावण के हाथ में होती है तो वह संहार करती है।
जैसा कि इस पंक्तियों से हमें पता चलता है कि जब सोशल मीडिया अच्छे हाथों में होता है तो वह अच्छे काम करता है, और जब वह बुरे हाथों में होता है तो वह बुरे काम करता है। अंत में दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, यह कि एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी और है जो माँ के गर्भ में पड़ रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे तुम? राष्ट्र सौंपोगे उन्हें या केवल उपदेश दोगे तुम? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अति उत्तम विचार, सही कहा आपने। ये हमारे ही ऊपर है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें। तो मैं आप प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने प्रश्न को पूछे। प्रिय मित्र, मैंने आपके भाषण को बहुत ध्यान से सुना, किंतु तब भी मेरे हृदय में एक प्रश्न उठा है। सुना तो आपने भी होगा कि नशा करते समय बहुत आनंद आता है, किंतु उसके प्रभाव हानिकारक बहुत होते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया नशे से कम नहीं है, तो क्या आपका यह कहना है कि आनंद के कुछ चंद पलों के लिए हमें इस नशे के प्रभावों को भूल जाना चाहिए? मैंने आपके प्रश्न को अच्छी तरह सुना समझा, पर मेरा यह मानना है कि सोशल मीडिया एक नशा उन लोगों के लिए है जो इसका दुरुपयोग करते हैं। सोशल मीडिया नशा उन लोगों के लिए है जो इससे भ्रष्टाचार फैलाते हैं, और सोशल मीडिया उन आतंकवादियों के लिए नहीं है जो इससे आतंकवाद करते हैं। सोशल मीडिया एक कारण, एक जरिया है जिससे हम अपने विचारों को आदान प्रदान तथा दुनिया भर से कॉन्टेक्ट रख सकते हैं। सोशल मीडिया से हम किसी भी देश को, अब जैसा कि आपने मेरी पंक्तियों में सुना कि तलवार जब राम के हाथ में होती है तो वह सृजन करती है, और जब वह रावण के हाथ में होती है तो वह संहार करती है। तो सोशल मीडिया भी इसी तलवार की तरह है कि वह अगर अच्छे लोगों के उसमें होगी तो सृजन करेगी, और अगर बुरे लोगों के उसमें होगी तो वह संहार करेगी। मैं पूर्णतः तो आपके उत्तर से सहमत नहीं हूँ, किंतु उत्तर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अति उत्तम प्रश्न, अति उत्तम उत्तर। अब मैं अगली टीम के प्रतिभागी जो पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, टीम 10 P1 के प्रतिभागी से अनुरोध करती हूँ, क्या आप तैयार हैं? जी महोदया, मैं तैयार हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, प्रस्तुत है विषय के पक्ष में मेरे विचार। अपने प्रतिपक्षी साथी के सपने को आगे बढ़ाना चाहूंगा। अभी बैठे बैठे मैंने जागती आंखों से एक स्वप्न देखा। भगवान राम और रावण फेसबुक के कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से घमासान युद्ध कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यूट्यूब पर गीतोपदेश दे रहे हैं, और भगवान बुद्ध ने फीलिंग सैड विद 79 अदर्स का स्टेटस अपडेट करते हुए शांति की खोज में अपने घर से प्रस्थान कर दिया है। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी अपने महापुरुष इन्हीं सोशल मीडिया की गंदी गलियों में ढूंढती फिरेगी। जी हाँ, यही सोशल मीडिया स्वतंत्र देश की अस्मिता के लिए खतरा ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ी को एक गर्त में ढकेल रहा है। वो युवा जिसे अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वो युवा जिसे वर्तमान की तोड़ देनी थी कुंठा, वो युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी राष्ट्र के भविष्य और समाज की उम्मीदों को जोड़े रखने की, आज वो सामाजिक पारंपरिक परिवेश से ऊब कर भविष्य के एक ऐसे कल्पना लोक में जाने का सीधा और सरल रास्ता खोजने में लगा हुआ है। उसे रच देना था नया इतिहास, आज वो 4x4 की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगूठे के घर्षण से ऑनलाइन हृदयों को भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। जॉर्जटाउन जनरल की रिपोर्ट के अनुसार 40% युवा शराब, सिगरेट और गांजा के लिए इसी सोशल मीडिया से प्रेरित होता है। जर्मन विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि हर तीसरा युवा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है वह अकेलापन, कुंठा व तनाव महसूस करता है। कार्पल सिंड्रोम, जिसमें 24 घंटे उंगलियां कांपती हैं, तड़पती हैं, इसके 55% मरीज इसी सोशल मीडिया के आदि हैं। फोमर डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसे छोड़कर बाकी पूरी दुनिया खुश है, के 99% मरीज इसी सोशल मीडिया के आदि हैं।
विश्व में हर वर्ष 4,500 आत्महत्याओं का कारण यही सोशल मीडिया है। मैं पूछता हूं अपने विपक्षी साथियों से कि क्या यह वही युवा पीढ़ी है जिसने देश की अस्मिता को बचाने और स्वर्णिम भारत को बनाने का सपना संजोया था। महोदय, क्षणभंगुर जीवन से डिलीट हो जाने वाली, अनपढ़ हाथों से उपजी, अफवाहों से लबरेज और मदांध मारदंड सी निरंकुश यह सोशल मीडिया, जिसका जिम्मेदारी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व से कोई संबंध नहीं, जिसका वैधानिक कानूनन स्वरूप नहीं, केवल आभासी दुनिया में भटकने के अलावा और कुछ नहीं। आभासी दुनिया के रामलाल को यह तक नहीं पता कि जिस रजनी से वो चैट कर रहा है वह उसका बेटा राजू है, और उसका बेटा राजू अकेला नहीं बल्कि 13,70,00,000 एंजल प्रिया जैसे फेक अकाउंट उसे झूठे प्यार मोहब्बत के सपने दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं पूछता हूं अपने प्रतिपक्षी साथियों से, पूछता हूं इस पतली समाज से और पूछता हूं इस शोषित संस्कृति से कि क्या युवा के इसी नए अवतार की कल्पना की थी देश ने? गनीमत है कि आजादी के पहले इस देश में व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया नहीं थे, वरना भगत सिंह ने भी एक मैसेज किया होता, इनकलाब जिंदाबाद, 100 लोगों को शेयर करो और भारत आजाद हो जाएगा। आज इस देश में सोशल मीडिया ने युवाओं को नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक तौर पर भ्रष्ट, मानसिक तौर पर दिवालिया, धार्मिक तौर पर अंधा, राजनैतिक तौर पर गंदा और स्वैच्छिक मान मूल्यों में शून्य बटे सन्नाटे के आंकड़ों में अटका लटका, जीर्ण शीर्ण, पैबंद में अखंड भारत को खंड खंड कर उसकी अस्मिता को खतरा पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसूलों पर जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इन नई उम्रों की खुदमुख्तारियों को कौन समझाए कि कहां से बचकर चलना है और कहां चलना जरूरी है, कहां चलना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सराहनीय विचार थे आपके। नई नई तकनीकों ने इंसान की मुश्किलों को और है भराया, साइबर क्राइम के इजाफे से लाखों का चूना सबको लगाया, बचपन का खेल गायब, पढ़ाई लिखाई से सबका मन है घबराया, बच्चों की मोबाइल से दोस्ती ने माँ बाप की चिंता को है और बढ़ाया। तो अब मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना प्रश्न पूछें। आप तैयार हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा। प्रश्नकर्ता जी, मैं तैयार हूँ। आदरणीय निर्णायक गण, शिक्षक गण एवं मेरे सभी मित्रों को मेरा सुप्रभात। जैसा कि मेरे मित्र आपके विचारों आपने बहुत अच्छे तर्क दिए हैं, आपकी बातों से झलक रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया अपराधों को बढ़ा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि निर्भया को न्याय दिलाने में और कोरोना काल में मजदूरों जो अपने घर पहुंच पाए हैं, ये सब सोशल मीडिया की वजह से ही संभव हो पाया है। और तो और ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता है ये भी सोशल मीडिया के जरिए ही संपन्न हो पाई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा रहा है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। महोदय, आपके प्रश्न का खंडन तो आज की प्रतियोगिता का विषय ही करता है। मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करना चाहूंगा। हाल ही में कुछ शरारती तथ्यों ने देशद्रोही नारे लगाकर अन्य युवाओं को दिग्भ्रमित कर जनमत तैयार करने की कोशिश की थी। यदि इन घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये घटनाएं अपने आप को दोहराती रहेंगी। और महोदय, ऐसा हो रहा है, इसीलिए तो आज की प्रतियोगिता के विषय का प्रादुर्भाव हुआ है। धन्यवाद। मैं आपके उत्तर के लिए आपको शुक्रिया करता हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। आप दोनों का धन्यवाद। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी टीम 10P2 को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथी, प्रस्तुत है विषय के विपक्ष में मेरे विचार। मैं अपने विपक्षी साथियों के आरोपों से सोशल मीडिया को बरी करते हुए इसकी उपादेयता को पुष्ट करती हूँ। इस सोशल मीडिया ने कभी भ्रष्टाचारियों की गले की पास बनकर, कभी अबलाओं की तीक्ष आवाज बनकर, कभी आम आदमी की पीर बनकर, तो कभी तानाशाहों के शाहों की नकेल बनकर, कभी वहशी दरिंदों के खिलाफ दावा नल बनकर, तो कभी अव्यवस्थाओं के प्रति हुंकार भरती भीड़ बनकर समाज की कुरीतियों और कुप्रथाओं पर कुठाराघात किया।
यह सब सुनकर कैसे कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण देश की अस्मिता को खतरा है? मैं सोशल मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब दामिनी की चीत्कार को मीडिया के शब्द मिलते हैं। वर्षों से कानून बनने की चाह में तड़पते जुवेनाइल बिल को संसद के दोनों सदन आधी रात को पारित करने पर मजबूर होते हैं। मैं सोशल मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब सुदूर गांव में बैठे युवा को वैश्विक मंच मिलता है और देखते ही देखते वह फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय करता है। मैं सोशल मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब आशाराम, नारायण साईं और तरुण तेजपाल जैसे लोगों के खिलाफ एक आम युवती आवाज उठाती है। मैं सोशल मीडिया के पक्ष में खड़ी होती हूँ तब जब महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए उठी मलाला यूसुफजई की आवाज यही सोशल मीडिया बुलंद करता है और तब यह विश्व न केवल उसे सुनता है वरन सबसे बड़े अलंकरण नोबेल पुरस्कार से नवाजते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति दूत नियुक्त करता है। 10x10 के कमरे में निपट अकेले बैठकर रो रहे किशोर की बातें सुन उसकी मनस्थिति समझकर उसका सहारा बना। डिग्रियां हाथ में लिए एक अदद नौकरी की तलाश में कंपनी कंपनी दफ्तर दफ्तर की ठोकर खा रहे नौजवान को काम दिला उसका रोजगार बना। उपभोक्ता युवा पीढ़ी को आत्मसंतुष्टि के साथ उसके व्यक्तित्व का विकास कर उसे उचित अवसर प्रदान कर उसका मददगार बना। कुदरी के लाल की कला को पहचान कर उसे दौलत और शोहरत दिलाकर उसका पैरोकार बना सोशल मीडिया। किसी जोशीले गायक का साज, किसी नर्तकी के घुंघरू की आवाज, किसी कोने में पनपते नवाचार का आगाज तो किसी मेहनत के जज्बे का परवाज है सोशल मीडिया। यहाँ तक कि इस प्रतियोगिता का ईमेल से रजिस्ट्रेशन, फेसबुक से प्रमोशन, व्हाट्सएप से इनविटेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रतियोगिता का आयोजन, इससे बढ़कर और क्या होगी सोशल मीडिया की उपादेयता और प्रमाणिकता। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा से लेकर घोटालों तक का सच, पेरिस हमले से लेकर पठानकोट हमला, युद्ध घोषणा से लेकर जमीनी हकीकत, इन सबसे कौन रूबरू कराता हमें? देश का युवा इन सब जानकारियों से देश हित का चिंतन ही करेगा ना कि देश की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। अब सवाल प्रतिपक्षी वक्ताओं से, आखिर कैसे आपदा प्रबंधन सफल हो पाता? आखिर कौन भ्रष्ट नेताओं के मन में दहशत पैदा करता? कैसे स्थानीय प्रतिभाएं विश्व पटल पर उभर पाती? कैसे आम व्यापारी मंडी तक पहुंच पाता? ऐसे अनगिनत सवालों के साथ यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम वक्त की नजाकत को नजरअंदाज कर नहीं सकते, हम भविष्य है विश्व का तकनीक से बिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक परचम देश का लहरा रहा है, कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा है। अब दूरियों को दरकिनार कर दो, खामियों को जहन से बाहर कर दो, नई इबादत लिखेंगे यह दाव कर लो, नजर ना सही नजरिए में बदलाव कर लो, नजरिए में बदलाव कर लो। जय हिंद जय भारत। बहुत सराहनीय विचार थे आपके। जितनी ही मिलेगी सोशल मीडिया से हमें सुविधा उतने ही होंगे लोग शारीरिक बीमार, नई बीमारी का इलाज भी होगा इन पर आधारित और यही होगा बीमारी का भी आधार। तो अब मैं प्रश्नकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना प्रश्न पूछे। प्रश्नकर्ता 10, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? प्रश्नकर्ता 10, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मेरे प्रिय मित्र आपके विचारों से लगता है कि आप सोशल मीडिया को एक ज्ञान का भंडार समझते हैं, पर मेरा मानना यह है कि पुराने समय जब चाणक्य थे तो उनके वो महाविद्वान थे, उनके विचारों हम आज अपनाते हैं, कल अपनाते थे और कल अपनाएंगे भी। तो आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि सोशल मीडिया ही हम लोगों को ज्ञान का भंडार बनाता है, हम लोगों को विद्वान ज्ञानवान बनाता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरे विचार से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। किसी को ग्लास आधा भरा नजर आता है तो किसी को आधा खाली। ये तो आपका नजरिया है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी।
चाकू दो चीजों के उपयोग में आता है, एक सब्जियां और फल काटने के और दूसरा किसी की गर्दन काटने के। अब यह तो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसका कैसे प्रयोग करेंगे। चाणक्य की बातें से हम धन्यवाद। धन्यवाद आपके उत्तर के लिए, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हो सका। जय हिंद। उत्तम, अब मैं टीम टू टी वन, क्या टीम टू यहाँ पर उपस्थित है? यस मैम। टीम टू टी वन के प्रतिभागी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। आप तैयार हैं? यस मैम। तो आपका समय शुरू होता है अब। सुप्रभात प्रिय मित्रों और आदरणीय शिक्षकगणों, आज मैं विश्व स्वतंत्र देश की अस्मिता को खतरा पहुंचाती हुई युवा पीढ़ी का सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण विषय में बात करने जा रही हूं। हम इस सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन से मौजूद जुड़ा हुआ है। युवा हमारे देश का भविष्य है, वह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बना या बिगाड़ सकता है। युवा कौन है जो अनीति से लड़ता है, जो काल की चाल बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है। वही सोशल मीडिया पर अब उनका सबसे ज्यादा वक्त प्रभाव डाल रहा है। सोशल मीडिया से जुड़े रहना सबको पसंद है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि आप डिजिटल रूप से उपस्थित नहीं हैं, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक एक सामान्य किशोर प्रति सप्ताह 72 घंटे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। यह उनके अंदर गंभीर तरह की समस्या पैदा कर रहा है, जैसे अध्ययन, शारीरिक और अन्य फायदेमंद गतिविधियों में कमी। युवा वर्ग विधि टीम टू प्रतिभागी एक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? टीम टू टी वन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बोलो। लगता है फिर से कोई तकनीकी परेशानी है। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बेटा आ रही है, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। साइबर रिश्तों में धोखाधड़ी स्वस्थ सब हैं आज के युवा की तनाव के। हर छोटी सी चीज पे भड़क जाना मैं अच्छा नहीं लगता, बल्कि आज का युवा तो कुछ नहीं चाहता कि कोई उसे यह समझाए कि क्या सही है और क्या। सोशल मीडिया ने इतना प्रभाव डाल दिया है कि वह ये समझने लगा है कि हम सही हैं और आप सब गलत। समय आ गया है कि युवा पीढ़ी समझ हो कि क्या सही है और क्या गलत, आंखें खोलकर देखे कि वह कहाँ खड़ा है और जिस सोशल मीडिया की वह नकल कर रहा है वह कहाँ। गुलामी तो हर तरह की बुरी है, चाहे वो अंग्रेजों की हो सोशल मीडिया की। हमने अपने स्वतंत्र बलिदान दिए हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कहानी।
रोंगटे खड़े कर देता है भारत का इतिहास। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे टीम टू पी वन बेटा हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। टीम टू पी वन क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? टीम टू पी वन क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैम मेरी आवाज आ रही है? यस बेटा आप आ रही है, स्टार्ट करें। ओके मैम। खून में उबाल तो आता है पर मेरे युवा मित्रों सुबह तक नहीं खबर आती है। और वह उबाल युवा मित्रों जो अपने कदमों के विश्वास करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। विकसित बनाने के लिए विषयों को समझना होगा। तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल। बेटा आपका समय समाप्त हो चुका है, शायद कोई तकनीकी खराबी थी। आप प्रश्नकर्ता के प्रश्न को सुनिए। प्रश्नकर्ता से अनुरोध है कि वह प्रश्न पूछे। मैं तैयार। चेहरे पर इंस्टा से रौनक है, दिल ट्विटर हुआ जा रहा है, समाज से कटकर भी इंसान सोशल हुआ जा रहा है। प्रिय मित्र मैं आपके विचारों से सहमत हूँ पर मेरे मन में एक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँ। जिस प्रकार सिर की जू निकालने के लिए पूरा सिर नहीं मुड़वाया जा सकता, उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करे तो सोशल मीडिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता। फिर आप सोशल मीडिया के खिलाफ क्यों हैं? टीम 2 P1 प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं सोशल मीडिया के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ कि सोशल मीडिया हर तरीके से बुरा नहीं है, पर जो लोग उनको बुरी लत लग जाती है उसकी और फिर वह उसको गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, 24 आवर्स उस पे रहते हैं, तो वह गलत है। उसको हमारे को लोगों को यह समझना होगा कि उसको ठीक कैसे करें। अब मैं टीम 2 के P2 प्रतिभागी 2 से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचारों को व्यक्त करें। क्या आप तैयार हैं? यस मैम। आपका समय शुरू होता है अब। सुप्रभात मेरे मित्रों और प्यारे मित्रों और अध्यापिकाओं, आज मैं आप सब लोगों को सोशल मीडिया के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। यह बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है जिनमें से बहुत सी जानकारी भ्रामक भी होती है। जानकारी को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। किसी भी जानकारी का स्वरूप बदल कर वह उकसावे वाली बनाई जा सकती है। फोटो और वीडियो की एडिटिंग करके भ्रम से सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, दुर्लभ हो सकता है। साइबर क्राइम भी सोशल मीडिया के सहयोग से ही होता है या रिश्तों में दूरियां लाता है क्योंकि आजकल हर चीज सोशल मीडिया पर हो जाता है और मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सोशल मीडिया का जैसे ही हुआ हमारे जीवन में वेलकम, तब से मोबाइल लाइव शुरू सोशल मीडिया का
टीम टू पी टू, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? टीम टू पी टू, क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? बेटा आपकी आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही। आपका समय चल रहा है, हमें खेद है कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। टीम टू पी टू, तकनीकी खराबी का जिम्मेदार स्वयं विद्यालय होगा। टीम टू पी टू, नाम कितना टाइम हुआ? अभी है टाइम, हम इन्हें पूरा समय दे रहे हैं। अगर ये बीच में आ जाते हैं तो इनके विचारों को सुन लिया जाएगा। टीम टू के प्रभारी अध्यापक या अध्यापिका यहाँ पर उपस्थित हैं? जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम शायद कोई यस मैम इशू है, लेकिन यस मैम मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है मैम ले में ना। यस मैम। यस मैम, तो इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर बच्चे दोबारा बार बार ट्राई करते हैं, तो ये ले में मैम नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। ठीक है कि हम आपको अधिक समय नहीं दे सकेंगे। ओके मैम, ठीक है, राइट मैम। तो जब इनका समय होगा तो बेल बजाई जाएगी। यस मैम, मैं उसे कह रही हूँ ट्राई करने के लिए, वो ट्राई कर रही है ज्वाइन करने के लिए अगेन। हम प्रश्नकर्ता को यहाँ पे बुला लेंगे उसके बाद, ठीक है मैम? वो प्रश्नकर्ता। यस मैम। मैम ले में नेटवर्क इशू होते हैं ना, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। मैम समझ सकते हैं, बट हमने काफी समय दिया आपको। दूर दूर घर होते हैं ना लोगों के। धन्यवाद मैम, आपके प्रतिभागी को और समय नहीं दिया जाएगा। प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न बताए। जी, बूढ़ी होगी नन्ही और नहीं आगे चश्मों के दूर, डिब्बे में बंद है खेल खिलौने, चुप है बचपन के शोर। प्रिय मित्र, मैं आपके विचारों से बहुत सहमत हूँ, पर मेरे मन में एक शंका है। आप मुझे एक बात बताइए कि जब युवा पीढ़ी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही होती है, क्या तब उनके माता पिता उन पर निगरानी नहीं रखते? क्या वे चिंतित नहीं होते कि युवा सोशल मीडिया पर कुछ गलत तो नहीं सीख रहे हैं? क्यों वह इतने चिंतित रहते हैं? इसका सीधा सीधा उत्तर है सोशल मीडिया की नकारात्मकता। फिर आप सोशल मीडिया के हित में क्यों है? धन्यवाद बेटा, आपका प्रश्न सचमुच ही सराहनीय था। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगी, हमारे आज के प्रतिभागियों ने अपने विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया और हम सबके लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। अब हम अगले चरण यानी परिणाम संकलन चरण की तरफ बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल धारोड के विद्यार्थियों की आ गया है, जिसको जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हम सब जानते हैं आप सबके दिल की धड़कन इस वक्त बहुत ही तेजी से धड़क रही होगी। तो जिस विद्यालय ने आज की वाद विवाद प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वह है टीम 10 आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर। टीम 10 आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर के प्रतिभागियों
व प्रभारी अध्यापक और प्रधानाचार्य को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। अब मैं आज की प्रतियोगिता के विजेता का नाम घोषित करने जा रही हूं, तो सब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब मैं विजेता टीम को घोषित करने जा रही हूं। तो आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता की विजेता टीम है टीम सेवन आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर। आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर। मैं विजेता टीम के प्रधानाचार्य, प्रभारी अध्यापक तथा प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। अब मैं आज की प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का नाम घोषित करने जा रही हूँ। तो आज की इस प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर से सानिया शर्मा P1। सानिया शर्मा P1। आपको सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपके विचार सचमुच ही काबिले तारीफ थे। अब आप सबके सामने पेश है आर्मी पब्लिक स्कूल धारोड़ के विद्यार्थियों द्वारा गाया गया एक समूह गीत जिसका शीर्षक है तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। I'm not afraid.
अच्छा गीत था। वक्ताओं ने अपना चमत्कार दिखा दिया। अब बारी है हमारी आज की प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ अवरोधक। तो आज की इस प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ अवरोधक हैं टीम 3I7 यानी आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड से मास्टर सुजल यादव। आपको सर्वश्रेष्ठ अवरोधक का पुरस्कार प्राप्त करने की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विजेता प्रतिभागियों को विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। अब मैं मुख्य अतिथि कर्नल AK शर्मा निदेशक एवस जी को आभासी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने प्रेरित शब्दों द्वारा प्रतिभागियों के मनोबल को बढ़ाएं। थैंक यू। नमस्कार, am I audible? Yes, sir. नमस्कार सभी उपस्थित सदस्यों को और प्रतिभाशाली बच्चों को। आज इस आभासी मंच द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया, जिसमें मैं ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि किस प्रकार आप बच्चों ने अत्यंत सुंदर ढंग से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। यह मंच आपको और भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस मंच से आप बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि संयम, आत्मविश्वास, निडरता, समूह में कार्य करना और अपने मित्रों के साथ तालमेल बनाना। मेरी तरफ से APS उधमपुर और बाकी जितने वाले स्कूलों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मेरी तरफ से आप सब लोग जीते हुए हैं, क्योंकि जो जीतता है उसको अपनी जीत बरकरार रखने के लिए और भी कड़ी मेहनत करना पड़ती है, और जिसको जीत नहीं मिलती उसको हार में हमेशा और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देती है। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में आप एक अच्छा बेटा बेटी, अच्छा नागरिक बनकर और अपने परिवार और देश की सेवा करें। अपनी युवा शक्ति को पहचानते हुए देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रिंसिपल APS धार रोड को और उनकी टीम को, जिन्होंने अत्यंत सुंदर व्यवस्था के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपके शब्द सचमुच ही बहुत प्रेरणादायक थे। धन्यवाद महोदय। अब मैं आपके सामने एक आर्मी पब्लिक स्कूल एक ऐसा मंच है जो सब विद्यार्थियों को अपना हुनर दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये केवल विद्यार्थियों को शिक्षित ही नहीं करता बल्कि उनका चौमुखा विकास भी करता है। तो पेश है आर्मी पब्लिक स्कूल की आन बान शान का प्रतीक एवस गीत। We're gonna make it.
नमस्कार, मैं पूजा वर्मा आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका अपने विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य जी की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में धन्यवाद प्रस्ताव रखने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि कर्नल एके शर्मा डायरेक्टर एवस का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें देकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया तथा जिनकी उपस्थिति से हमारी आज की ये प्रतियोगिता सफल हो पाई। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी भागीदारी विद्यालयों के प्राचार्यों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी प्रेरणा सदैव विद्यार्थियों को प्रेरित करती है। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय निर्णायक मंडल समूह का, निर्णायक प्रतियोगिता में जिनका महत्व रखता है। मैं आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में उपस्थित सभी प्रतिभागियों के हौसले, जज्बे और मेहनत की सराहना करती हूँ। मैं बधाई देना चाहूंगी विजेता विद्यालयों को जिनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और प्रतियोगिता के शिखर तक पहुंचने में जिन्होंने दिन रात एक कर दिया। आप सबको विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए या यूं कहूं कि उसे अंतिम पड़ाव तक लाने के लिए बहुत से सहयोगियों की आवश्यकता होती है, तो मैं विद्यालय की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। मैं विद्यालय की प्रबंध समिति का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिनकी तकनीकी सहायता से आज की प्रतियोगिता बिना किसी वादा के सफल हो पाई है। अब मैं अंत में आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद, जय हिंद।